नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग तथा वर्गमूल। तो दोस्तों, स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए, कम से कम 100 तक तो हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा ये है, अगर आप सम करोगे तो सीधा आपको पता चल जाएगा भाई इसकी स्क्वायर ये है, इसका रूट इस स्क्वायर से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर आपको 100 तक याद होनी चाहिए, अगर 100 तक ना हो तो 20 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। स्क्वायर रूट ये हम देखेंगे अभी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। पहले स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर जैसे स्क्वायर क्या होती है, वर्ग। 2 की स्क्वायर जैसे 4, ये क्या होती है स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 11 की स्क्वायर 121, ये होती है दोस्तों स्क्वायर। और रूट, अगर हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट 289 का हमें रूट दे दे निकालने को, तो उसका रूट कैसे निकालेंगे। वैसे तो हमें याद है, तो हमें सीधा ही पता है भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, 17। वैसे मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, अगर आपको कोई बड़ी स्क्वायर आ जाए, बड़ा रूट निकालना आ जाए स्क्वायर रूट, तो आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, क्यों आपको उतने तक याद नहीं होगा दोस्तों। वो मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगी। इस 289 को ले लेते हैं, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 289 का स्क्वायर रूट ऐसे निकाल, 289 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसे निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको लिख लेंगे, इसके पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे हम, 2 के जितने भी नंबर हो हमारे पास उनके 2 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालनी है। ठीक है, और ये जैसे हम बात करते हैं तो वो टेबल से करते हैं हम, तो इसमें हम स्क्वायर से करेंगे। जैसे हम पहाड़ों से बात करते हैं, पहाड़ देखते हैं उससे बात करते हैं कोई नंबर को, वैसे ही इसमें स्क्वायर देखकर, वर्ग देखकर हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 2 किसी का वर्ग नहीं होता, इससे छोटा वर्ग देख लेते हैं। 1 का करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 ही यहां लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और पेयर ही ऊपर से उतारेंगे, जितने भी नंबर हो 2 के पेयर ही नीचे उतारेंगे, एक नंबर नीचे नहीं उतारेंगे हम, दोनों नंबर यानी कि पेयर उतारेंगे हम, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ये दोनों पेयर नीचे उतार लेते हैं। अब इसको क्या करना है, इसके डबल से, 1 का डबल क्या होगा हमारे पास 2, और इस 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए, वो हम करके देखते हैं। इसको हम कैसे करनी है मल्टीप्लाई, 2 को हम जैसे 1 यहां और 1 यहां करके मल्टीप्लाई, ये इसका रूल होता है, 1 दोनों तरफ करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 21। हम करके देख लेते हैं इससे छोटा या इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम पहले 6 पर करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। ये इससे छोटा है, और 7 पर और करके देख लेते हैं, देखते हैं बड़ा आएगा, अगर बड़ा आया 7 पर करने पर तो हम यही लेंगे, अगर इस यही आ गया फिर हम 7 से लेंगे। दोस्तों 7 से करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 189, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 189, और जितने से मल्टीप्लाई की है वो ऊपर लिख देंगे 7, तो हमारा 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 17। ये दोस्तों तरीका था, एक बार बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं सीधा करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेना, 2 वीडियो को पीछे करके देख लेना भी कैसे किया है। अब आगे हम सवाल करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पहले, कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है इसका 0.289 और 0.00121, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, ये समझ लिया हुआ है मैंने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 289 पॉइंट के बाद कितने नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3 पॉइंट के बाद इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद ही हमारा सवाल सॉल्व होगा। पॉइंट हटाएंगे कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, जितने नंबर है उतनी वन के साथ जीरो लगा दो नीचे, अगर नीचे वाले किया तो ऊपर मल्टीप्लाई में, इसके कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है हमारा, इसका पॉइंट हटाएंगे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0,
और इसका क्या है हमारे पास ए रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इससे तीन जीरो से कट हो जाएगी। अब 289 का आपको पता है स्क्वायर रूट कितना होगा 17, और 100 का क्या होगा 10, और 121 का क्या है हमारे पास 11। अब हमारा स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 170/11, ये हमारा क्या आ गया अनस्क्वायर। ऐसे करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू, मैं जल्दी जल्दी डिटेल में आपको बता दिया है, अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, स्क्वेयर रूट 0.0169 और नीचे क्या है डिवाइड में 0.81। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है 169 और नीचे क्या है इसका हमने पॉइंट हटा दिया है 81। इसका पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो कहाँ आएगी नीचे 1 2 3 4, और इसका पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो 2, वो कहाँ आएगी ऊपर। नीचे वाले की पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगी और ऊपर वाले के हटाएंगे तो नीचे आएगी। इसका क्या स्क्वायर रूट 20 से 20 कट, और इसका हम सॉल्व कर लेते हैं 169 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 13, और 81 का 9, और मल्टीप्लाई में ऊपर यहाँ पर हमारे पास 1 ही है, और यहाँ पर 100 का 10। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 नहीं होता है। अब ये सॉल्व हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13/90, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, इसकी पॉइंट हटा लेंगे 289, इसकी पॉइंट हटाई तो नीचे हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 10, इसके 3 30, 10 से 10 कैंसिल। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 22, 100 का 10 और 289 का 17, आंसर क्या आ गया 220/17, ये क्या है हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, स्क्वायर रूट पॉइंट हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 10, यहाँ पर कितने नंबर है 3, तो 301 के बाद 10 से 10 कैंसिल। 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 10 और इसका 11, हमारे पास क्या आएगा 30/11 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 0.004096, इसका क्यूब रूट है और फिर स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर रूट आपको बता दिया क्योंकि स्क्वायर रूट का ये चैप्टर है, वो निकालना बता दिया। ये क्यूब वाला क्वेश्चन बीच में आ गया, इसका अगला चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा अभी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करवा देता हूँ एक बार, कैसे करेंगे पॉइंट के बाद कितनी, ये हमारा स्क्वायर रूट, ये हमारा क्यूब रूट। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो 60 पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका पहले क्यूब रूट सॉल्व करेंगे, 40/96 का क्यूब रूट हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट लिखेंगे, 40/96 का क्यूब रूट हमारे पास आएगा 16, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 100। अब हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 16 का क्या आएगा 4, और इसका क्या आएगा हमारे पास 10, इसको कट कर देंगे 2/5, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ये दिया दिस देन एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको पता चल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ देन फाइंड एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम क्या आएगा 144, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 144 प्लस 25, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, इधर हमारे पास क्या है इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 12, ये क्या आ जाएगा 12 + x, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे,
इनको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 169, नीचे हमारे पास क्या है 144, इसका क्या है स्क्वायर रूट, इक्वल में हमारे पास क्या है 12 + x = 12, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 169 का 13 और इसका 12, इक्वल हमारे पास क्या है 12 + x = 12, ये नीचे से सेम सेम है नंबर, 12 12 है और बराबर में है, तो ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ कोई फर्क पड़ेगा, 12 x 12 + x = 13, ठीक। इस 12 को साइड ले जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 - 12 = 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, x = 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यही फाइंड करना था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसमें क्या है स्क्वायर रूट है 0.25 और 0.0009 और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट 0.09 और 0.36, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता पॉइंट हटाएंगे, स्क्वायर रूट में 25 ऊपर पहले सम किए थे हमने पॉइंट हटा के, इसके बाद कितने कितने नंबर है उतना हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगी 1 के साथ 0 2 0, और नीचे कितने नंबर है 4 तो 4 0, ऐसे ही मल्टीप्लाई में हमारे पास पड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे 9 और 36, पॉइंट हटा दिया है, मल्टीप्लाई में 2 नंबर है नीचे क्या आएगा 100, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट करेंगे 20 से 20, और ये 9 यहाँ पे 36 है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे 5 / 9, 109 का 3, इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा 3 और 100 का 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 9 का क्या आएगा 3 और इसका 36 का क्या आएगा 6, बस इतना ही, इसको इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5, हमारे पास आंसर क्या आ गया 25/3, ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम, ये मैं रफ कर देता हूँ नोट कर लेना, अब इसको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है स्क्वायर रूट है, नीचे क्या है मल्टीप्लाई में कितने नंबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी जीरो लग जाएगी, और इसके पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे आप सेम सेम नंबर हो तो यहाँ से सीधा भी कट कर सकते थे पॉइंट, और ऐसे लिख कर भी डिटेल में करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 35 और इसका 73, ये दोस्तों हमारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया, ये आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कर लिया है, आपको याद होना चाहिए, 100 तक तो मैंने कहा था अभी भरक याद होने चाहिए, मुझे याद थे तो मैंने सीधे लिख दिए, आपको अगर याद ना हो तो आपको करने आने चाहिए, निकालना आना चाहिए, अभी कैसे निकालेंगे, तो आप अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया निकालना भी कैसे निकालेंगे कोई नंबर का, तो आप बता दो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम, इसको वैसे ही करेंगे तो उससे अच्छा सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वैसे करेंगे हम, तो इसको कैसे करेंगे, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 3 इसमें है और इसमें कितनी है 3 1 2 3 3 और 3 6 और 7 8 9, पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास 9 नंबर हो गए,
नीचे वाले में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 नंबर हो गए, तो हम 1 के साथ 9 लिखेंगे 0, और नीचे 1 के साथ 9 0 लिखेंगे, काटेंगे तो सीधा ही कट कर दो और सीधा लिख लो इसे, सीधा लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा 324 मल्टीप्लाई में 81 मल्टीप्लाई में 24 डिवाइड में 15625 मल्टीप्लाई में 289 मल्टीप्लाई में 729 मल्टीप्लाई में 64, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 68 होगा शायद, ये निकाल के देख लेना आप, और इसका होगा 125, इसका 17, और इसका होगा हमारे पास फिर ये रहेगा, इसका हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 8। इसको कट करके सॉल्व कर लेते हैं, 9 3 27, ये 2 4 8, 2 9 18, 17 4 3 9, 17 4 68, 4 4 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 3y 125, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसका हमारे पास क्या आ गया ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स इक्वल दिस और वाई इक्वल दिस देन हमें ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे हमारे पास स्क्वायर रूट में है 0.6 मल्टीप्लाई में 3 के साथ y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये क्या स्क्वायर रूट 0.6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 और 0.5 को सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2 हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.6, ये क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 11, हमारे पास क्या है ये क्या स्क्वायर रूट है हमारे पास 248, फिर अंदर प्लस में स्क्वायर रूट है 51, फिर प्लस में स्क्वायर रूट है 169, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास पहले स्क्वायर के रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट है सबसे नीचे उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है 248 प्लस स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 51 प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान है 30, अब स्क्वायर रूट इसको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 248 प्लस का निशान है, इसको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, 8 आ गया हमारे पास ठीक, अब इसको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 256, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, ये क्या आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, सेम है बिल्कुल, 248 प्लस इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 52 प्लस में 12 इक्वल 248 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा 64 का क्या आएगा 8 इसके साथ जोड़ेंगे 248 को ऐड करेंगे 8, इसमें क्या आ जाएगा 256, क्या आएगा 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पीछे वाला जैसा ही सवाल है इसको सीधा सॉल्व कर देता हूं मैं, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, इसकी स्क्वायर रूट क्या आएगी हमारे पास 7,
सेवन को 29 में ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा 6, 6 को इसमें ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे फिर हम 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, फिर हम 5 को 11 में ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा 4, 4 को 5 से ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 3, तो सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4, 4। अब ध्यान से, इसमें सारे प्लस थे, इसमें यह माइनस आ गया, 4 को माइनस करना है 29 से, क्या आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर प्लस है तो इसमें ऐड करेंगे क्या बन गया 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6, फिर 6 को माइनस करेंगे इसमें से 22 में से क्या आ जाएगा हमारे पास 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 4, 4 को 5 में ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 121 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है 11, नीचे क्या है 11 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है 45 डिवाइड में इसका स्क्वायर रूट 13, मल्टीप्लाई में 13 है ऊपर, नीचे इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 15, 11 से 11 के आंसर 13 से 13 और 15 थी 45, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आंसर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, तो दोस्तों आप देखकर घबराना नहीं है, ये ऐसे सवाल देखकर इन्फिनिटी आ गई, प्लस आ गया, रूट आ गया, ये क्या है आप सोच रहे होंगे भी क्या है, इन सवालों में कुछ नहीं है, छोटी सी ट्रिक है बस। क्या करना है आपको, इसके ऐसे पेयर बनाने हैं, 6 के 6 प्लस 6 ये सेम है, तो इसके 6 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका अंतर डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो इसके क्या बनेंगे 2 × 3, इनका डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस हम चेक करना चाहें तो 3 − 2 हमारे पास 1, डिफरेंस क्या है 1, तो इनका आंसर हमारे पास अगर यहाँ पर प्लस प्लस हो, सभी जगह प्लस हो, तो हमारा क्या होगा जो बड़े वाला डिफरेंस, जो बड़े वाला है वो हमारा क्या है आंसर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 3। ऐसे ये करेंगे 17, इसका डिफरेंस बनाओ क्या बनेगा 3 × 4, तो बड़े वाला है जो प्लस प्लस है समय बड़े वाला है वो क्या है हमारा आंसर। ऐसे ये करेंगे, इसके पेयर क्या बनेंगे बड़े वाला हमारा क्या है आंसर, इसी में प्लस प्लस है तो इसके बनाएंगे बड़े वाला 8 क्या है हमारा आंसर, बस छोटी ट्रिक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसे सवाल आपको मिल जाए कहीं भी पेपर में, कंपटीशन पेपर में चाहे किसी का पेपर हो, तो मन में लड्डू फूटना चाहिए, घबराना नहीं है, आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे समय आ गए तो आप सबसे पहले यही करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, पहले कर लिए, ऐसे सवाल आ गए फ्री के नंबर है ये, इनको हमें नहीं छोड़ना है, कैसे करेंगे सिंपल सी ट्रिक, माइनस है सेम है इनफिनिट, हमें निकालना है इसके पेयर बनाएंगे हमारे पास क्या बन जाएंगे 6 के 2 × 3, तो इनमें माइनस है, पहले प्लस वाले थे तो हमारा बड़े वाला आंसर था, अब हमारे पास माइनस है तो हमारे पास छोटे वाला क्या है आंसर, तो क्या आएगा 2 आंसर। ऐसे ये करेंगे 4 × 5 = 20, तो हमारे पास माइनस है सभी में, तो 4 हमारा क्या आएगा आंसर, ये क्या 8 × 9 करेंगे हमारे पास क्या आएगा डिफरेंस क्या रहेगा 1, 1 डिफरेंस रहना चाहिए पहले बता दिया है, और माइनस का निशान है तो छोटे वाला हमारा क्या है आंसर, 8 क्या है आंसर। ऐसे ये इसको करेंगे क्या आएगा 5 × 6, छोटे वाला क्या है आंसर, सिंपल सी बात है, इतनी भी आपको समझ नहीं आएगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसका क्या आएगा 9 × 10, छोटे वाला क्या है आंसर, 9 हमारा क्या है आंसर, तो आपको पता लग गया होगा, पहले बता दिया था भी कैसे करेंगे, अब सिंपल सीधा बताया, एक बार और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास ये है 72 है, इसको सॉल्व करना है, इसके पेयर हमारे पास क्या बने उनका डिफरेंस ऐसे जोड़े बनाने हैं इसके जिनका डिफरेंस 1 हो, हमारे पास क्या बन जाएगा 8 × 9,
इनका डिफरेंस हमारे पास क्या है, 8 माइनस 9 करेंगे या फिर 9 माइनस 8 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1, डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 1। तो हमें ये देखना है अभी डिफरेंस 1 हो, अगर यहाँ दूसरी बात हमें पहले नंबर पर तो हमें देखना है कि उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर हमें देखना है या माइनस है या प्लस है इनके बीच में, अगर इनके बीच में माइनस है तो हमारा क्या आएगा छोटे वाला आंसर आएगा, और अगर इनके बीच में सभी के बीच में प्लस है तो हमारा क्या आएगा बड़े वाला आंसर आएगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, इसमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, पीछे सवाल किए थे उनमें हमने देखा था पेयर बना के और डिफरेंस वन होना चाहिए था, और इसमें डिफरेंस वन नहीं बनेगा कैसे करेंगे, ऐसे सवालों के लिए हमारे पास इस टाइप के ऑप्शन आएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे ऐसे सवालों के लिए हमारे पास इस टाइप से ऑप्शन होंगे सवाल में, ये ऑप्शन तो सभी में होंगे पर इन ऐसे सवालों में ऐसे ऑप्शन होंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है वन है, यहाँ पर क्या है वन, वन को लिख लेंगे, अब वन से छोटे हमारे पास क्या पेयर बन, जीरो मल्टीप्लाई में वन, जीरो मल्टीप्लाई में वन, वन से छोटे बनेंगे डिफरेंस इनका क्या है वन, और वन से बड़े हमारे पास क्या बन जाएंगे, वन से बड़े हमारे पास क्या बन जाएंगे वन इंटू टू, ये क्या बन जाएगा डिफरेंस इनका क्या है वन, तो हमें डिफरेंस वन रखना है, डिफरेंस हमारा वन होना चाहिए, पीछे सवालों में बताया डिफरेंस वन होना चाहिए, इनमें सीधा डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते, सीधा आंसर निकाल नहीं सकते, ऐसे करें। अब हमें देखना है अगर यहाँ पर प्लस हो तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आएगा, जीरो ग्रेटर देन एक्स ग्रेट लेस देन, एक्स क्या है जीरो से ग्रेटर होगा, जीरो ग्रेटर देन एक्स और लेस देन वन, तो ये किसके लिए आएगा, ये आएगा माइनस वाले के लिए, जिसके लिए माइनस का निशान हो, इसमें प्लस का निशान है तो इसके लिए आंसर क्या आएगा ये, इससे क्या बनेगा वन ग्रेटर एक्स लेस, एक्स क्या है वन से ग्रेटर होगा और टू से लेस होगा, ये हमारा आंसर आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये आंसर आएगा, तो ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो इनमें हमारा आंसर क्या होगा ये आंसर होगा, ऐसे ये। और अगर आपको पूछ ले भी आगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, आगे सॉल्व करना पूछ ले तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर ए प्लस वन और प्लस माइनस ये रूट से बाहर है वन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे सीधा, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो आप ऑप्शन देख लो, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो तो आप सीधा पहले बताया वो कर दो, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है ऑप्शन आपको सॉल्व सिंपल नंबर दिए हैं ऑप्शन में तो आप इसको आगे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, ए हमारे पास क्या होगा जो यहाँ पर हमें संख्या दी होगी, यहाँ पर क्या दिया हुआ वन, तो फोर इंटू वन और प्लस में हमारे पास क्या है वन, इसका क्या है अंडर रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसका क्या मतलब है, जो इनके बीच में निशान होगा यहाँ पे पॉजिटिव का निशान है प्लस का निशान है तो हमारे पास यहाँ पर वन क्या आएगा प्लस का, अगर यहाँ माइनस हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन जो है माइनस का हो जाएगा और डिवाइड में टू, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा रूट फाइव प्लस वन वाई, फोर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा वन और फोर वन एड करेंगे फाइव रूट फाइव प्लस वन बाई टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये देख लो आप ऑप्शन में, अगर आपको ये आंसर मिल जाए तो ठीक है टिक कर दो, अगर ये ना मिले और सिंप्लीफिकेशन की हो तो आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, आप जैसे भी करना चाहो, इसके तीन बन जाएंगे यहाँ पर भी ये भी हमारा आंसर है और जो हमें पहले निकाला था ये भी हमारा आंसर था, आप जैसे ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल होगा, जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, दोस्तों ये दिया हो तो भी ठीक है ऑप्शन में, ये दिया हो तो भी आप ठीक कर सकते हो, अगर ये दोनों ही नहीं दिए हो तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब हमारे पास रूट फाइव सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी 2.23 प्लस 1 बाय 2, इसमें 1 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3.23 बाय 2, अगर हम इसको दो से डिवाइड करें 1.615 ये आ जाएगा, ये या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा, इन तीनों से बाहर कोई नहीं आएगा, ये तरीके हैं आपको जैसा ऑप्शन हो उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, पहले ये करके देखो ये ऑप्शन में है तो ये टिक कर दो, अगर ये ना है
आपको रूट में दिया हो तो आप ये टिक कर दो, अगर रूट में ना है सिंपल वैल्यू है तो आप सिंपल इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आप टिक कर सकते हो, ये हमारा क्या है आंसर। ऐसे ही इसका आपको पता ही है ये सॉल्व किया था, अगर माइनस का निशान हो तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। कैसे, इसके छोटे पेयर हमने क्या बनाए थे 0 into 1 और बड़ा क्या बनाया था 1 into 2, तो माइनस का निशान है तो ये बन जाएगा हमारे 0x < 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर, पहला मैंने डिटेल में करा दिया, ये आपको सीधा पता चल जाए। ये आपको पहले जैसे सम आ गए हैं, सिंपल सम है, इसके आप 1 के क्या बना सकते हो, इसका 2 का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ऐसे पेयर बनानी है, क्या बन जाएगा 1 into 2 हमारे पास 2 आएगा, डिफरेंस इनका क्या है 1 है, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए और निशान चेक करना है हमें प्लस का है या माइनस का, प्लस का निशान है तो ये बड़े वाला हमारा क्या है आंसर, 2 हमारा क्या है इसका आंसर। ऐसे ये चेक कर लो, इसके क्या बनेंगे 1 into 2, निशान माइनस का है तो छोटे वाला हमारा क्या है आंसर, 1 क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, इसको कैसे करेंगे, सिंपल कर लो, इस 3 है, 3 को हम सीधा नहीं कर सकते तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके छोटे पेयर बनाएंगे, पहले क्या बन जाएगा 1 into 2, छोटा क्या बन जाएगा इससे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, तो ये क्या है छोटा, और इससे बड़ा पेयर क्या बनेगा 2 into 3, ये क्या है 6, इससे क्या है बड़ा और 2 इससे क्या है छोटा, तो हमें एक बड़ा पेयर बनाना है और एक छोटा पेयर बनाना है, और फिर इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर प्लस है या माइनस है, अगर प्लस है तो ये सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 2 > x > 3, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ये दिया हो तो टिक कर दो, सिंपल आंसर होगा, अगर ये नहीं दिया हो तो फॉर्मूला लगा दो 4a + 1 √ + -1/2, ये सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, a हमारा क्या होगा जो यहाँ पर दिया होगा हमें, तो क्या आएगा 4 into 3 है a हमारा +1 √, और यहाँ पर प्लस माइनस इसका क्या मतलब है, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या है +1 आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 3 = 12 + 1 = 13 √13 + 1/2, इसको आगे सिंपल सॉल्व कर लो, जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा आपको आंसर मिल जाएगा, ये है ऑप्शन में तो इसको टिक कर दो, अगर ये है तो इसको टिक कर दो, अगर सिंपल नंबर है तो इसको आगे सॉल्व कर लो, बस यही आंसर आएगा, वैसे ही ये हो जाएगा, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, माइनस है तो छोटा पेयर है, वो हमारा क्या होगा आंसर 1 > x < 2, x क्या है 1 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा, ये हमारा क्या है इसका आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब, इसका 4 वैसे 4 के देख लो, 4 से छोटा पेयर हमारे पास क्या बनेगा 1 into 2, 2 into 3 करोगे बड़ा हो जाएगा, 1 into 2 ये छोटा पेयर बन गया और 2 into 3 ये 6 ये इससे बड़ा पेयर बन गया, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये हमारा क्या है आंसर, 3 से छोटा होगा x और 2 से क्या होगा बड़ा, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन में देख लेना, अगर सिंपल वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और ये सॉल्व करेंगे 10 के पेयर बनाओ, 10 से छोटे बनाओ, अगर हम 2 into 3 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो 6 क्या बन जाएगा इससे छोटा पेयर, और 3 into 4 करेंगे 12, वो क्या बन जाएगा इससे बड़ा पेयर, तो निशान चेक करो पॉजिटिव का है प्लस का निशान है तो हमारा बड़ा, इसको सिंपल लिख दो और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर सकते हो, सिंपल वैल्यू निकाल सकते हो, और ऐसे दी हो आपको सिंपल वैल्यू नहीं दी हो तो ऐसी वैल्यू दी हो ऑप्शन देख लेना तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने, क्या करेंगे, इसके पेयर बना लो 15, सिंपल तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसके पेयर इससे छोटा क्या बनेगा हमारे पास, इससे छोटा क्या बन जाएगा 3 into 4 और इससे बड़ा 4 into 5, 4 into 5 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 20 और ये 3 into 4 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो प्लस का निशान है तो बड़ा पेयर इसका क्या बन गया 4 > x < 5, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 34 का आंसर, और 35 ऐसे 60, इसके पेयर हम बढ़ा लो क्या बढ़ेंगे
इसके पैर क्या बन जाएंगे हमारे पास, सात आठ और आठ प्लस का निशान है तो बड़े वाला, इसको क्या इसका क्या देगा प्लस का निशान है तो ये बन जाएगा एट ग्रेटर एक्स लेस नाइन, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। आगे हमारा 36 है तो 36 का क्या बन जाएगा 5, 36 का बन जाएगा 5 इंटू सिक्स और प्लस का निशान है 6 इंटू सेवन, ये दो बन जाएंगे प्लस का निशान है तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा आंसर, ये आएगा हमारा आंसर। इसका बनाएंगे क्या बनेगा 4, 4 का क्या बनेगा 1 इंटू टू और 2 इंटू थ्री, प्लस का माइनस का निशान है इसमें, माइनस का निशान है तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और इसको 7 को करेंगे इसका क्या बनेगा 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री और 3 इंटू फोर, माइनस का निशान है तो ये हमारा क्या आएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा हमारा सॉरी 3, ये हमारा क्या है आंसर, इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने, इसमें क्या दिया है 18, 18 के क्या बनेंगे हमारे पास, 18 के बन जाएंगे 3 इंटू फोर और 4 इंटू फाइव, तो माइनस का निशान है तो छोटे बड़ा हमारा क्या होगा आंसर, ये क्या है आंसर। ऐसे ही 14 करेंगे इसका क्या बन जाएगा 5 इंटू सिक्स और दूसरा 6 इंटू सेवन, तो माइनस का निशान है तो छोटे वाला हमारा क्या होगा आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। और 43 और 41 और 42, 41 और 42 ऐसे सवाल आ गए तो समझ लो आपकी नैया पार है, ये फ्री के नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में है, इन्फिनिटी तक है, तो जो दिया है वही हमारा क्या है आंसर, जो दिया है वही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, जो दिया है वो क्या है हमारा आंसर, रुको रुको यहां ध्यान से देखो, पहले वाले में और इसमें फर्क क्या है, इसमें इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ, हमें इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा, इसका तरीका अलग है, सीधा देख कर आप कह रहे हो, आप कह दोगे वैसे किया गलत हो गया, इसका तरीका अलग है, क्या करेंगे हमें क्या है 5 है हमारे पास, 5 है, इसको कैसे करेंगे, कितनी बार आएगी 5, 1 2 3 4, 4 बार है, इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ तो ये हमारा क्या है 4 बार, तो हम जितनी बार दिया हुआ है हमें कितनी बार है 4 टाइम्स, तो हम 2 की पावर उतनी कर देंगे और कितना है 5, 5 की पावर हम करेंगे कितना कितना आ जाएगा 16, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 16 हमारा क्या आएगा नीचे, और इसमें से एक माइनस कर देंगे 15, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ये करेंगे कितने टाइम है उतनी पावर कर देंगे 2 की 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8, 3 की पावर 8 में से एक माइनस करें कम करेंगे 7/8, ये क्या है आंसर। ऐसे ये करेंगे 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, क्या आ गया 4, तो 3/4 आंसर। ऐसे ही करेंगे ये कितनी कितने टाइम है 1 2 3 4 5 टाइम्स है 2 की पावर 5, कितना आ जाएगा 32, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 31/32, ये है आंसर, सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने, इसमें क्या दिया हुआ है स्क्वेयर रूट 7+4 स्क्वेयर रूट 3, ये दिया हुआ है, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करना है, ऐसे सवाल हो कि आपको ऑप्शन लेकर आप अगर क्वेश्चन बनाओगे आंसर से क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको आसानी रहेगी, तो आप पहले ऑप्शन नंबर ए उठाओ, इसको उठाओगे क्या है ऑप्शन नंबर ए 2+√3, 3 का स्क्वेयर रूट है, इसका आप स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर किया तो हमें स्क्वेयर रूट भी करना पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट हो जाएगा वापिस ये बन जाएगा, ये कर दिया हमने। इसके बाद अब ये क्या बन गया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक फार्मूला याद होगा आपने किया होगा पीछे a² + b² a, ये क्या है a + b, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये हमारे पास इस जैसा नहीं है, है ना, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं क्या बनेगा देखते हैं, अंदर वाले को स्केयर रूट ऊपर बेसी है, इसको सॉल्व करेंगे, टू की स्केयर करेंगे, टू की स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगी फोर, अंडर रूट थ्री की स्केयर करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगी थ्री, और प्लस टू हमारे पास है, ए हमारे पास क्या है टू, और बी हमारे पास क्या है अंडर रूट थ्री, ये क्या हो गया फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा सेवन प्लस फोर रूट थ्री, क्या आ गया सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता तो चल गया भी ये ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा आंसर है। ये चेक करने करके देखने में वैसे ये डिटेल में बता दिया भी ऐसे होगा, आगे आप सीधा भी चेक कर सकते हो ये क्या है हमारा स्क्वेयर रूट, ये क्या है रूट में, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो आपको पता लग गया भी ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो आप सीधा भी चेक कर सकते हो कैसे, आपका ये सेवन है, ये सेवन क्या है, सेवन किस से बना है, ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर का प्लस किया है, एड किया है दोनों को तब सेवन बना है। आप ऑप्शन में सीधा चेक कर सकते हो इन दोनों की, ये हमारा ए कौन सा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इन दोनों को स्केयर करके आप सीधा एड करके देख सकते हो। अगर हमारे पास सीधा सात बढ़े और किसी ऑप्शन में सात ना बढ़े तो हमारा ऑप्शन जो भी जिस ऑप्शन में ये बनेगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा सही। देख लो इसकी स्केयर करोगे आपके पास क्या है फोर, और इसकी स्केयर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा थ्री, दोनों को ऐड करो क्या आ गया सेवन। तो आप सीधा भी अंदाजा लगा सकते हो भी ये सही है। अगर कोई और सेवन आ जाए फिर आपको इसे डिटेल में करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने, ये डिटेल में करा दिया। अब ये बता देता हूँ सीधा, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, ये ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ऑप्शन उठाओ आप, इसमें देखो भी इन दोनों की स्केयर करने के बाद आपको ए बी है, आपको पीछे बताया था ये ए होता है ये बी होता है, आपने माना था भी ये ए है और ये बी है, तो इससे क्या पता चला था भी इन दोनों की स्केयर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आ गया तो हमारा ऑप्शन जो जिस ऑप्शन में 13 आ गया वो ऑप्शन हमारा सही होगा। रूट टेन की स्केयर करेंगे और रूट थ्री की स्केयर करेंगे तो हमारे क्या पास क्या आ जाएगा टेन प्लस थ्री, हमारे पास क्या आ गया थर्टीन, ये बन गया। आगे ये भी चेक कर लो, इसकी स्केयर करके करेंगे तो क्या बनेगा फोर्टीन, इसकी स्केयर करके बनाएंगे क्या बनेगा फिफ्टीन, और इसकी करेंगे तो क्या बनेगा सिक्सटीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही है और कहीं भी थर्टीन नहीं आया तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ये आपका सवाल डिटेल से करोगे तो आपको एक मिनट के लगभग लग जाएगी और सीधा करोगे तो आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच बीच में आपका सवाल हो जाएगा, सीधा आपको चेक ही करना है। अगर डबल आ जाए 13 तो आपको चेक करना पड़ेगा, वरना आप सीधा टिक कर दो, आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें ही चेक कर लो, इन दोनों की स्केयर करो और एड करो क्या आएगा 18, इन दोनों की स्केयर करो और एड करो हमारे पास क्या आएगा 14, इन दोनों की स्केयर करो और ऐड करो क्या आएगा 15, इन दोनों की स्केयर करो और ऐड करो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो ये 18 है, ये 14 है, ये 15 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है आंसर। ये आपको पता लग गया होगा तो कैसे किया है, अगर पता नहीं लगा तो बता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें क्या है 17 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 13, इसका स्केयर रूट ये 14 हमारा क्या है फॉर्मूले पीछे हमने डिटेल में किया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये होता है 17, ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर हम करेंगे तो हमारे पास 17 बनना चाहिए। ये हमारा आपको पता लग गया बी ऑप्शन है, इसको चेक कर लो कैसे हुआ, ये निकाल के बता देता हूं। हमारे पास ए क्या है 15 स्केयर रूट 15, इसकी स्केयर करेंगे प्लस बी क्या है स्केयर रूट ऑफ 2, और इसकी बी की हमें क्या करनी है स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या है 15 प्लस 2 क्या आ गया 17। तो इससे ऐसे हुआ, ये ऐसे मैंने सीधा डिटेल सीधा कर दिया था यहाँ पे और ये डिटेल में बता दिया कैसे हुआ। आगे हम सीधा ही करेंगे सॉल्व, 10 सेकंड में हमारा सवाल हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने,
इसमें क्या दिया, स्क्वायर रूट 15 प्लस 4 स्क्वायर रूट 40, ये दिया हुआ है। ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और डी, इनमें चेक कर लेंगे भी क्या बनेगा। इसमें हम स्क्वायर करेंगे प्लस वाला है, इसमें स्क्वायर करेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया 18, हमें बनाना है 15 बनना चाहिए। इसकी स्क्वायर करेंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये बन गया। आगे चेक कर लेते हैं, इसकी स्क्वायर और ऐड करेंगे क्या बन गया 15, इसकी करेंगे 17, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हमें 15 बनाना है, 15 बनना चाहिए। तो अब इन दोनों में से हम चेक कर लेंगे जो बन गया, हम इन दोनों में से चेक करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अगर एक होता तो हम सीधा टिक कर देते, अब एक नहीं है, दो आगे हमारे पास 15, तो इन दोनों में से एक चेक कर लेंगे, अगर वो सही हुआ तो उस पे टिक कर देंगे, अगर वो गलत हुआ तो दूसरे पे टिक कर देंगे, ये चेक करेंगे, अगर ये सही हुआ तो उसको टिक कर देंगे, अगर गलत हुआ, ये गलत हुआ तो ये सही होगा, एक ही चेक करना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूले से चेक कर लो क्या बनेगा, इसकी स्क्वायर रूट करके आप चेक करोगे, इसकी स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस, और स्क्वायर करनी है, चेक करना है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 7, इसकी स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट हो गया यही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये फॉर्मूला खोलते हैं हम, हमारे पास क्या आएगा, एक ही स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 8, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ गया 7, और 2 प्लस 2 ए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8, और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट सारी। अब 8 और 7 कितने हुए 15, ये क्या हो गया 15 प्लस 2 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, और 7 हमारे पास रूट में क्या है पढ़ा ही है मल्टीप्लाई में। आगे 15 हमारे पास है प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 बार है क्या हो गया 4, और अंदर क्या रहेगा 2 और ये 7, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना हो गया 14, और इनका क्या है स्क्वायर रूट हमारे पास। तो ये हाँ ये सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, इसको चेक कर लो 11, इनकी स्क्वायर करोगे, इसमें माइनस आ गया, इसमें क्या आ गया माइनस आ गया आपके पास, यहाँ पर प्लस वाले किए थे पहले तो माइनस आ गया, माइनस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस वाले का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी होता है ना। आपको चेक तो यही करना है, बस ये इतना चेक करना है, पहले बताया था, तो ये आपको प्लस करके चेक करना है, ना कि ये निशान नहीं देखना, हमने ये निशान देखना है कि प्लस है या माइनस है, इससे ये पता चल जाएगा। अगर ये 11 डबल आया यहाँ पे तो हम वो चेक कर लेंगे, अगर सिंगल आया एक में 11 आ गया और बाकी हम कुछ और आया तो हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये चेक करना है हमें। ठीक है, और एक पॉजिटिव पॉइंट और है इसमें, यहां पर नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, यहां पर अगर हमारे पास नेगेटिव है, क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा, आपने ये चेक किया था सवाल पहले वाला, तो यहाँ पे आपने स्केयर करके सीधा किया था और सोल्व किया था, हमारे पास ये बन गया था, तो यहाँ पर ये निशान रहा। अगर हम इसको उठाकर चेक करते हैं तो हमारे पास माइनस वाले को ही उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस ही बनना चाहिए लास्ट में, तो माइनस वाले, अब आपके पास प्लस वाले तो आने का कोई चांस ही नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो बच गए ये दोनों। इन दोनों में आप देख लो क्या बनेगा, इन दोनों का जोड़ करोगे, आपको ये चेक करना है इतना इतना, ए और बी का जोड़ करोगे, एडिशन करोगे फार्मूले के हिसाब से, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसकी स्क्वायर कर दी और इसकी स्क्वायर कर दी, हमारे पास क्या गया 15 प्लस 3 क्या बन गया 18, हमें चाहिए 11, ये चेक कर लो कितना 6 प्लस 5 11, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 52 क्या करना है, माइनस है तो ऑप्शन माइनस वाला ही हमारा आंसर होगा, तो ये इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है आंसर, सीधा ही पता चले गया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, इसमें माइनस है तो माइनस वाला एक तो ये है, ये नहीं है इसको छोड़कर, बाकी 3 ऑप्शन माइनस में है, तो दूसरी ट्रिक लगाओ 17 बनना चाहिए, इन दोनों की स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो इनकी स्क्वायर करके ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन गया 18, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन गया
11, फिर इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 की स्क्वायर करोगे 9 माइनस नहीं प्लस, स्क्वायर करके ऐड करनी है हमें, इसकी स्क्वायर करोगे आपके पास क्या बन गया 4, और इसकी स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया हमारे पास 17, 18 आया, 11 आया और 17 चाहिए था हमें भी, 17 बनाना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे, माइनस है तो माइनस होना चाहिए ऑप्शन में, तो हमारे पास ये प्लस है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर। तो ये ऑप्शन है, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप चेक कर लो, इसकी स्केयर करके ऐड कर दो, 5 की स्केयर करी, रूट 7 और रूट 5 की स्केयर की 5, और 2 की स्केयर की 4, क्या गया 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने, इसमें क्या दिया हुआ है, स्केयर रूट 28 प्लस 10 स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट 7 प्लस 4 और स्केयर रूट ऑफ 3, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसको, फार्मूला बनाएंगे कोई, ए प्लस बी की स्केयर इक्वल क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक। ये हमारे पास पीछे सवाल किए थे, ये किसके बराबर थे, इसके बराबर बड़े थे, और ये बढ़ेगा इसमें, करके देख लेना चाहिए आप, ठीक। तो यहाँ से हमें पता लगाना है कि ए क्या, ये ए कौन सा है और बी कौन सा है, तो यहाँ से पता लगाओ, कैसे पता लगाओगे, क्या ये 28 प्लस 10 रूट 3, इसमें पता लगाना है ए कौन सा है बी कौन सा, ये किसके बराबर है हमारा 2ab के, ये हमारे पास किसके बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके बराबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिखो, 10 रूट 3 को अलग अलग करके लिखो, कैसे लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। इसमें से आप ट्रू तो वो फार्मूले वाला ही है ही हमारे पास ये, तो ये बच गया ए बी, चाहे आप इसको ए मान लो क्योंकि प्लस में है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए इसको मान लो रूट 3 को, चाहे इसको मान लो, फिर भी आपको डाउट है चेक करना है तो चेक कर लो, आपको क्या है ए, हमने इसको ए बना लिया, 5 को ए बना लिया, इसको बी बना लिया, तो चेक करो कि ये 28 बनता है या नहीं बनता ए बी की स्केयर करके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर करके हमारे पास 28 बनता है, तो हमारा फॉर्मूला ये सेटिस्फाई करेगा वरना नहीं करेगा। तो कैसे करोगे, चेक कर लो, 5 की स्केयर करो प्लस रूट 3 की स्केयर करो, हमारे पास क्या बन गया 5 की 25 प्लस 3 क्या बन गया 28, तो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर गया, हमारे पास ए क्या है 5 और बी क्या है रूट 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 3 की होल स्केयर, ये क्या आ गया 5 प्लस रूट 3 की स्केयर कर लूँ, तो स्केयर से रूट कैंसिल, इसको मैं रफ कर दूँ एक बार, इसका क्या आ गया 5 रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या किसके बराबर होता है 2ab के, तो इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 4 को और रूट 3, तो हमारे पास 2 तो फार्मूले वाला आ गया, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और बी हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 3, ये क्या हो जाएगा बी, तो ये बन गया हमारे पास क्या बन गया, ये इसका बन गया और माइनस का निशान है, अब इसका क्या बना है हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या बना था रूट प्लस रूट 3, ये क्या बना था 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बीच में माइनस है, ब्रैकेट हटा देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या है 5 प्लस रूट 3, माइनस अंदर जाके माइनस का 2 और माइनस का रूट 3, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, और 5 में से 2 गए हमारे पास 3, ये हमारा क्या है आंसर, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने, इसमें क्या करना है, ऐसे सवालों में रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5 माइनस रूट 3, इसका क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है हमें, कैसे करेंगे, नीचे वाले का निशान प्लस करके लिख देंगे हमारे पास रूट 3 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 3, कोई फर्क पड़ेगा, ये कट हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 5
प्लस रूट थ्री और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, कहेगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई में क्या है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री। नीचे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इस पे सेटिस्फाई करता है। नीचे वाले पे ए प्लस बी ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर। ए हमारे पास क्या है फाइव रूट फाइव और बी हमारे पास क्या है रूट थ्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट फाइव की स्केयर हो जाएगी माइनस रूट थ्री की स्केयर, स्केयर से रूट कैंसल, स्केयर से रूट कैंसल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फाइव रूट फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे फाइव और इस चीज के साथ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में रूट फिफ्टीन, इस चीज के साथ करेंगे प्लस रूट फिफ्टीन और इस चीज के साथ करेंगे क्या आ जाएगा प्लस थ्री। नीचे हमारे पास क्या था फाइव माइनस थ्री, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया, ये फाइव प्लस थ्री एट, ये क्या हो जाएगा प्लस टू रूट फिफ्टीन। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव माइनस थ्री करेंगे क्या आ जाएगा टू, यहाँ से टू कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया फोर प्लस रूट फिफ्टीन, नीचे क्या है टू, टू से टू कैंसिल, आंसर क्या आ गया फोर प्लस रूट फिफ्टीन, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, क्या करेंगे रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ये डिटेल में करा दिया है, सीधा सॉर्ट करवा देता हूँ, क्या करेंगे इस किसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स, इस किसके साथ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस रूट इलेवन, प्लस इस किसके साथ करेंगे, इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा रूट थर्टी, रूट थर्टी, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव। नीचे हमारे पास वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या बन गया सिक्स, सिक्स में फाइव ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन गया इलेवन, यहाँ पर क्या है प्लस टू रूट थर्टी, नीचे क्या है वन, तो हमारा आंसर क्या आ गया इलेवन प्लस टू रूट थर्टी, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 रैशनलाइज कर दो, रूट थ्री माइनस रूट इलेवन बाई रूट थ्री माइनस रूट इलेवन, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा रूट थर्टीन है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसके साथ कर दो क्या आएगा थर्टीन, इसकी इसके साथ करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज के साथ करेंगे क्या आ जाएगा थर्टीन की इलेवन के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143 आ जाएगा माइनस अंडर रूट, निशान माइनस का है, माइनस अंडर रूट 143, ठीक है। ये कैसे है, इसकी सिंपल ट्रिक है, 13 मल्टीप्लाई में 11 करना हो तो 12 का स्केयर करो और उसमें से एक माइनस कर दो, वो हमारा क्या आएगा इसका, ये सिंपल ट्रिक है, करके देख लेना। अब इस चीज के साथ करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 143, इसकी इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 11, इसको फॉर्मूले सॉल्व कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 माइनस 11 क्या आ गया, इसको ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 24, यहाँ पर क्या है माइनस 2 143, नीचे क्या रह जाएगा 2, 2 से यहाँ पे 12 और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या आ गया माइनस 143 आंसर। ऐसे ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 59, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, 8 माइनस रूट 7 बाय 8 माइनस रूट 7, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करो हमारे पास क्या आएगा 8, इसकी इसके साथ करोगे माइनस, इसकी इसके साथ करो माइनस का 56, इसकी इसके साथ करोगे क्या आएगा माइनस का 56, इसकी इसके साथ करोगे क्या आ जाएगा प्लस 7, डिवाइड बाय 8
फॉर्मूले से करोगे 8 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 2 रूट 56। ये क्या आ गया आंसर, नीचे बन रहे हैं। ऐसे ही इनको करेंगे, क्या करेंगे, इसका अलग रेशनलाइजेशन कर लो, इसका अलग कर लो, फिर प्लस है दोनों को ऐड कर दो। कैसे करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे, इसका क्या आएगा आपके पास 12 और प्लस में 2 रूट 35। ठीक है, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस का निशान है, इसको अलग रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन अब क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइड बाई 2। या दोनों का अलग अलग रेशनलाइजेशन कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आएगा 6, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 6 ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है 6 प्लस रूट 35 प्लस में 6 माइनस रूट 35 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 12 आंसर आ गया। ऐसे ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, इसका अलग अलग कर दो रेशनलाइजेशन, इसका अलग कर दो फिर ऐड कर दो, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, करके देख लो, इसे एक का करते हैं पहले, फिर इसका करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन करें 8 प्लस 2 रूट 15 नीचे क्या आएगा फॉर्मूले से 2 आ जाएगा, प्लस का निशान है, इसका अलग करके ऐड कर दो, इसका क्या आएगा 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या रहेगा हमारे पास 4, यहाँ पर क्या है 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15 15 से 15 कैंसिल, 8 हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने, रेशनलाइजेशन कर दो, वैसे ही इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है हमें, क्या आ जाएगा 25 माइनस 2 रूट 154 डिवाइड में क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या है प्लस, इसका अलग कर दो, इसका करो क्या आएगा 25 प्लस 2 रूट 154 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या है 25 माइनस 2 रूट 154 प्लस का निशान है, प्लस 25 प्लस 2 रूट 154 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 50 डिवाइड बाई 3 ये हमारा आंसर है, क्या आ गया 50 बाई 3। इसको क्या कर सकते हैं 60, इसकी सही हम बना के लिख सकते हैं ऑप्शन में, अगर ये ना हो तो ये भी लिख सकते हैं, क्या हो गया 2, ये आंसर आ जाएंगे, इन दोनों में से आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या करो रेशनलाइजेशन कर दो अलग अलग, क्या आएगा इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, प्लस इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास रेशनलाइजेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 28 माइनस 2 रूट 195। आपको एक ट्रिक पता होगी, 15 इंटू 13 करेंगे, 15 इंटू 13 करेंगे, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, बीच में एक ही है, 13 14 15 एक ही अक्षर, आप 14 का स्केयर करो, उसमें से एक माइनस कर दो, आपका इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी आपके पास, कोई भी करके देख लो, आप करके देख लो 10 मल्टीप्लाई 12, आपको पता ही है सीधा पता है 120 है, अब ट्रिक से करके देख लो कितना आएगा, 11 की स्केयर करो कितना आएगा 121, उसमें से एक माइनस करोगे क्या आ जाएगा 120। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप ये ट्रिक याद रख लेना, ऐसी मल्टीप्लाई आए तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लिया,
नीचे आ जाएगा हमारे पास टू, ठीक, प्लस का निशान है। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा 28 प्लस टू अंडर रूट 195 डिवाइड बाय टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टू से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 माइनस 195 प्लस 14 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 195, ये माइनस का है ये प्लस का, कट हो गया 28 हमारा आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे, इसको इसका भी अलग रेशनलाइजेशन कर लो, इसका अलग कर लो और माइनस कर दो, क्या क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है फिर इसका करना है और बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस और ये थोड़ा सा अलग आ गया है हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 110 डिवाइड बाय 1, सिंपल है 1 ही आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का निशान, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 21 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 110 और ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्या आ जाएगा 2 रूट 110 माइनस 21 और माइनस 2 110, ये माइनस का और ये नहीं, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 11, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने, इसको कैसे करेंगे, इसका अलग रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका अलग रेशनलाइजेशन करेंगे और माइनस कर देंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं क्या आएगा 12 माइनस 2 रूट डिवाइड बाय 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, अब इसका अलग रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका क्या आएगा 12 प्लस 2 रूट 42, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं क्या आएगा 12 माइनस 2 रूट 42 ब्रैकेट खोल देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 12 और माइनस का 2 रूट 42, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 रूट माइनस का 4 रूट 42, ये हमारा क्या आ गया आंसर इसका। ऐसे ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं क्या आएगा 25 प्लस 2 रूट 154, 2 रूट 154 इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, नीचे क्या आएगा 3 और माइनस में इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 2 स्क्वायर रूट 154 डिवाइड बाई 3, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम 3 यहाँ पर क्या 25 प्लस 2 रूट 154 माइनस, ये माइनस इन दोनों के लिए है, यहाँ पर जो माइनस होता है दोनों के लिए होता है, तो ये क्या आ जाएगा 25 और ये माइनस का 25 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 154, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 154 डिवाइड बाय 3, ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन 67, इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा a प्लस बी की होल स्क्वायर, इस पर कौन सा लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का,
सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, एक स्केयर यानी ए हमारे पास क्या है, फाइव, रूट फाइव, रूट फाइव की स्केयर करेंगे हमारे पास क्या जाएगा, फाइव, प्लस बी हमारे पास क्या है, बी की स्केयर करेंगे क्या जाएगा, थ्री, प्लस टू फॉर्मूले वाला, और ए बी, ए हमारे पास क्या है, रूट फाइव, और रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट फिफ्टीन, प्लस का निशान है। अब इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव ए की स्केयर करेंगे प्लस बी की स्केयर करेंगे क्या जाएगा, थ्री, और माइनस टू ए भी करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस टू ए भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस टू रूट फिफ्टीन। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पाँच और तीन आठ, पाँच और तीन आठ, और इन दोनों को आठ और आठ सोलह, ये हमारा सिक्सटीन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने, 69, 70 और 71, इनके लिए हमें सभी में फार्मूले लगाने पड़ेंगे। इन सवालों में हमें कौन कौन से फार्मूलों की ज़रूरत है, ए प्लस बी की होल स्केयर और ए माइनस बी की होल स्केयर, इनका फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और माइनस वाले के लिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ये दो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों से सवाल होंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सीधा मैं फॉर्मूले पुट कर देता हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये, और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये, और दोनों को ऐड करना है, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट सेवन, तो स्केयर करेंगे सेवन, प्लस इसकी स्केयर करेंगे बी की, हमारे पास क्या रहेगा, सिक्स, प्लस करेंगे टू फॉर्मूले वाला टू, और इनकी ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 42, और यहाँ पर प्लस है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, सेवन प्लस सिक्स प्लस नहीं माइनस टू रूट 42, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सात और छः तेरह, सात और छः तेरह, तेरह और तेरह 26, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ये होगा क्वेश्चन नंबर 69, इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए प्लस बी बड़ा और ए माइनस बी बड़ा, फॉर्मूला लगा देते हैं, एट प्लस सिक्स प्लस टू फॉर्मूले वाला, और हमारे पास रूट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 48, माइनस बार माइनस है, एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, अगर 8 प्लस 6 और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 48 माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलने से क्या हो जाएगा, ये माइनस सभी के साथ लग जाएगा, और ये माइनस बड़ा प्लस हो जाएगा, प्लस बड़ा माइनस हो जाएगा, यहाँ से अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4 स्क्वायर रूट 48, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ये हमारा आंसर आ गया, इसको आगे सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो, कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 4 इसको क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, 4 बार आएगा क्या बन जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 16 बार आ गए, और अंदर क्या है, रूट 3, और ये क्या हो गया, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारा आंसर, ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, इसमें सभी में फॉर्मूले वाले सवाल है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, ए की स्केयर करेंगे 11, बी की स्केयर करेंगे 10, प्लस 2 ए बी करेंगे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 110, माइनस माइनस सीधा सॉल्व कर देते, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 11 वो फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आएगा, माइनस का 11 और माइनस का 10 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 110, ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 110, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पहले माइनस वाला लगेगा बाद में प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला लगा देते हैं क्या आएगा, 5 प्लस 3 प्लस नहीं माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये माइनस है यहाँ पे, इसका करेंगे 5, इस पे फार्मूला लगाएंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ब्रैकेट खोल देंगे क्या हो जाएंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 8, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आ गया आंसर, निशान यहाँ पर आएगा माइनस का, ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे सामने, इसमें क्या करना है, क्यूब वाले फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले याद है तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, फॉर्मूले याद होने जरूरी है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले कर लिए यूज, अब क्यूब वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो क्यूब वाले फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले हैं। ये आपको याद है तो ये सवाल हो जाएंगे आसानी से। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, ये हमारे पास क्या है ए और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम है। तो ये फॉर्मूला है, अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा सवाल। तो हम पहले फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए प्लस बी की होल क्यूब, और प्लस में ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी की होल क्यूब। तो इनको फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और प्लस में इसका फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये फार्मूले। इन फार्मूलों को सॉल्व कर लेते हैं, सीधी वैल्यू भरेंगे तो हार्ड हो जाएगा। पहले सॉल्व फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, रूट 5 है, और बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, रूट 3 है। तो फार्मूला सॉल्व करके वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या आएगा, बी की 3 यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहेगा, ए की क्यूब और 3ab ए प्लस बी, और यहाँ पर ए की क्यूब और यहाँ पर माइनस, तो ये ए की क्यूब और ए की क्यूब क्या हो जाएगा, 2a की क्यूब हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये दो बची, अब इनको कैसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आएगा, प्लस 3 इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3a² b और प्लस 3ab² इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये माइनस का है, तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 3a की, नहीं माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस का ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a की स्केयर हो जाएगा और b हमारे पास पड़ेगी, इसकी अब b के साथ माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या आएगा, प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3ab की स्केयर। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हमें, a 3a² और 3ab² ये प्लस का है, 3a² b प्लस का है और 3a² b माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब ये दोनों सेम, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 2a की क्यूब हमारे पास पड़ा ही है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस में इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6ab की स्केयर, क्या आ जाएगा, 6ab की स्केयर। ठीक है, अब इनमें से आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास 2a कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2a क्या आ सकता है, कॉमन, तो 2a कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रहेगा, a की स्केयर और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, प्लस 3, प्लस का ही था हमारे पास, प्लस 3 और a तो हमने कॉमन ले ही लिया है तो हमारे पास क्या रहेगा, b की स्केयर। अब हम इसमें फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट 5, a की वैल्यू क्या है, रूट 5, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे क्या है, रूट 5, और अंदर ब्रैकेट में a की वैल्यू पुट करेंगे, रूट 5 की स्केयर। ठीक, तो यहाँ पर प्लस का निशान है और 3 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट थ्री की स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, स्केयर से रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 रूट 5, अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कैंसिल हो गया रूट, कैंसिल हो गया स्केयर से, यहाँ पर क्या है, 5 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 8, इसकी 8 नहीं, यहाँ पर क्या है, 3 अंदर और है, 3 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 और 5 14 हो जाएंगे हमारे पास, और 5 14, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 28 रूट 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे, इसमें सेम ऐसे ही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे पहले, फिर करेंगे, इसमें पहले माइनस है
और बीच में प्लस का निशान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ फिर प्लस वाला लगाओ, बढ़ना लास्ट में यही है, ठीक है। तो आप इसमें सीधी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 3। तो इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, यानी 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बार, और अंदर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2, 2 की स्क्वायर प्लस 3, और बी हमारे पास क्या है रूट 3, इसकी क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा बार 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ब्रैकेट में क्या है 2 की स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक। बार क्या है 4, और अंदर ये जुड़कर कितने बन जाएंगे 13, कितने बन जाएंगे 13, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 52, ये हमारा आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे सामने, इसमें क्या है पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, दोनों क्या कर देंगे माइनस, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और बीच में क्या है माइनस, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस बार है अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें क्या आ जाएगा ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब माइनस का और ये भी माइनस का 3ab ये ए प्लस बी ऐसे है, ठीक। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ए की क्यूब प्लस का ए की क्यूब माइनस का, ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसल, बी की क्यूब माइनस का बी की क्यूब प्लस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2b की क्यूब माइनस का, ये हो गया हमारा। अब ये माइनस का, ये माइनस का, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर, अंदर ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंट हो गया, तो इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस बार है माइनस की इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3a² b, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा निशान प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 3ab की स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3a² b, और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3ab² तो ये प्लस का 3ab की स्क्वायर और ये माइनस का 3ab की स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस 2b³, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ये क्या हो जाएगा माइनस का 6a² b। अब यहाँ से 2b कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2b कॉमन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है 2b कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया b की स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया प्लस में, माइनस कॉमन ले लिया प्लस में हमारे पास क्या रहेगा 3a की स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, ए क्या है ये और बी क्या है ये, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बी, हमारे पास बी की वैल्यू क्या है रूट 5, बी की वैल्यू क्या है रूट 5 माइनस 2 रूट 5, और अंदर बी की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास रूट 5 वैल्यू है, और स्क्वायर करेंगे प्लस में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर क्या है 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो यहाँ पर क्या है प्लस में 5, ये हमारा क्या हो गया 26, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 26, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का रूट 5, पढ़ाई है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज के साथ 2 के साथ क्या आ जाएगा और रूट 5, ये हमारा क्या आ गया आंसर माइनस 52 रूट 5, ये क्या है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का। ऐसे ही 75 कर देंगे, फॉर्मूला हमने सॉल्व कर दिया, इसमें सीधी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, कैसे करेंगे हमारे पास क्या है बी ये है और ए ये है, तो वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2a क्या है नहीं बी क्या है हमारे पास रूट 6 और ब्रैकेट में बी क्या है रूट 6 की स्क्वायर
रूट सिक्स की स्क्वेयर करेंगे प्लस थ्री ए की स्क्वेयर करेंगे रूट सेवन की स्क्वेयर हो जाएगी। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस टू ये बी ये टू रूट सिक्स है, टू रूट सिक्स और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है सेवन इंटू थ्री करेंगे ट्वेंटी वन, यहाँ पर प्लस में हमारे पास क्या है सिक्स, प्लस में क्या है सिक्स, ये क्या हो गया ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी सेवन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा टू नहीं रूट रूट फिफ्टी फोर और रूट सिक्स माइनस का, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे सामने, इसमें क्या है रूट एट स्केयर रूट ऑफ एट प्लस स्केयर रूट ऑफ सेवन डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ एट माइनस स्केयर रूट ऑफ सेवन, ऐसे ये इनके माइनस आ गया प्लस आ, तो इनको कैसे करनी है, ऊपर स्केयर है हमारे पास ठीक है, आप सीधा फार्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, तो आप पहले इनका अंदर रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो ऊपर स्केयर रहने दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो ऊपर स्केयर रहने दो, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा पंद्रह प्लस टू क्या आ जाएगा फिफ्टी सिक्स, और इसका क्या है हमारे पास स्केयर प्लस इसका रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे हमारे पास वन रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा पंद्रह माइनस टू रूट फिफ्टी सिक्स और स्केयर। अब हम फॉर्मूले लगा सकते हैं ए की स्केयर ए प्लस बी की होल स्केयर और ए माइनस बी की होल स्केयर, उनका फॉर्मूला मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ और फिर फॉर्मूले में भी पुट कर दें ताकि आसानी हो, तो ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला होता है प्लस के लिए, और माइनस के लिए क्या होता है ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी से टू ए बी कैंसिल हो गया और ए दो ए की स्केयर दो बार है बी की स्केयर दो बार है, ए की स्केयर दो बार प्लस बी की स्केयर दो बार, अब हम वैल्यू पुट करेंगे आसानी हो जाएगी, तो ए हमारे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अब वैल्यू पुट कर देंगे आसानी से हो जाएगा, तो टू हमारे पास है ही और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है पंद्रह, पंद्रह की स्केयर करेंगे पंद्रह की स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगी दो सौ पच्चीस, और बी हमारे पास क्या है टू रूट फिफ्टी सिक्स, इसकी स्केयर करेंगे टू रूट फिफ्टी सिक्स की स्केयर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर से स्केयर कैंसिल, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगी बी की स्केयर हमारे पास आ जाएगी, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा एक सौ बारह, दो की स्केयर कर देंगे इक्कीस के स्केयर के साथ तो ये कट गया, और इसकी स्केयर करेंगे टू की फोर और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है फिफ्टी सिक्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बीस और दो दो सौ चौबीस, दो सौ चौबीस, अब इन दोनों का ऐड करेंगे हमारे पास टू बार पड़ा है और इसकी ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फोर फोर्टी नाइन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा आपके पास एट नाइन आठ सौ अठानवे, ये क्या क्या हमारा आंसर है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे हम, इसका रेशनलाइजेशन कर दो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा सत्रह माइनस बारह रूट दो, इसका रेशनलाइजेशन ये आ गया और नीचे हमारे पास वन बच जाएगा, रेशनलाइजेशन तो आपको करना आता ही होगा वो आप करके देख लेना, और ऊपर हमारे पास क्या है स्केयर और प्लस में इसका रेशनलाइजेशन करेंगे क्या आएगा सत्रह प्लस ट्वेल्व रूट टू का स्केयर, अब वो ही बन गया यही बन गया, बीच में प्लस का निशान है तो माइनस का चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वैल्यू फार्मूला सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बनेगी यही वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू इस वैल्यू में हम ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है, इस फॉर्मूले में हम ए वी की वैल्यू पुट कर देंगे क्या बन जाएगा ए प्लस ए, तो इसमें अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है टू बार पड़ा है ए की वैल्यू सत्रह, सत्रह की स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास टू एटी नाइन, प्लस का निशान है
इसकी स्क्वायर करेंगे बी की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आएगा 288, करके देख लेना। स्क्वायर करेंगे जब 2 से इस ये कट जाएगा, और 12 की स्क्वायर क्या होती है 144, और 144 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 288। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 1, 7, 1, 2, 570। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1154। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे, इसमें क्या करना है रेशनलाइजेशन अंदर कर दो दोनों तरफ और माइनस कर दो, तो क्या होगा 8 + √15 और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर स्केयर माइनस ऐसे ही इसका रेशनलाइजेशन कर दो क्या आएगा 8 - √15 / 2 की होल स्केयर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4, ये 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 4 + √15 की होल स्केयर, और यहाँ पर माइनस 12 और अंदर क्या बच गया 4 - √15 की होल स्केयर। ये क्या फॉर्मूला बन गया a + b की होल स्केयर का, ये फॉर्मूला क्या बन गया a - b की होल स्केयर का, तो a + b की होल स्केयर क्या होगा a² + b² + 2ab और -12 यहाँ पर क्या आ जाएगा a + b की स्केयर -2ab, और ये बार माइनस है अंदर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -12 प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी, हमारे पास a की स्केयर से a की स्केयर कैंसिल, b की स्केयर से b की स्केयर कैंसिल, हमारे पास क्या रहेगा 4ab, इन दोनों को ऐड करेंगे 4ab। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a हमारे पास क्या बना था ये, और b हमारे पास क्या है ये, तो 4 की 4 के साथ 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है √15, तो ये क्या आ गया 16√15 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 79 रेशनलाइजेशन कर दो फिर माइनस कर दो रेशनलाइजेशन कर दो, तो कैसे करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अलग कर दो और इसका अलग कर दो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशनलाइजेशन कर दो क्या आएगा 7 - √3, नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे हमारे पास बचेगा 4 - √1, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ऐसे ये करेंगे 7 + √3 की स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला सॉल्व कर लो और वैल्यू पुट कर दो आसानी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या है a² + b² - 2ab, यहाँ पर क्या आएगा -a² - b² - 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या रहेगा -4ab। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो ए बी की, a क्या है 7, b क्या है 4√3, तो माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, 4a हमारे पास क्या है 7 और b हमारे पास क्या है 4√3। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आ जाएगा माइनस का निशान है, ये क्या आ जाएगा 28 * √3, अब 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में क्या आ जाएगा 2√3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर माइनस में। क्वेश्चन नंबर 80, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों के क्यूब करेंगे और दोनों ऐड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे क्या आ जाएगा 3 + √2, और इसकी क्या है क्यूब, प्लस इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 3 - √2 की क्यूब। अब हम फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं और फॉर्मूला सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a³ + b³ + 3ab + a + b, और +a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3ab a - b, ये फॉर्मूला। और
बी क्यूब से व्यू क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, इसको इसके साथ सोल्व करें, टू ए टी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, माइनस थ्री थ्री ए स्क्वेयर बी, और इसको सॉल्व करें प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, थ्री ए बी स्क्वेयर नहीं, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाए टू ए की क्यूब, और यहाँ पर क्या बच गया ये प्लस, क्या हो जाएगा ये दोनों सिक्स ए बी की स्क्वेयर, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, टू ए कॉमन ले सकते हैं, क्या रहेगा ए की स्क्वेयर प्लस, यहाँ से टू ए कॉमन लिया, थ्री बी की स्क्वेयर, अब ए हमारे पास क्या है थ्री, तो टू इंटू थ्री, और ए की स्क्वेयर करेंगे यानी कि थ्री की स्क्वेयर करेंगे, और टू रूट टू की स्क्वेयर करेंगे टू रूट टू की स्क्वेयर करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थ्री हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया तीन छः, और यहाँ पर क्या है नाइन, प्लस टू कैंसिल हो जाएगी, इसकी फोर और दो एट, ट्वेंटी फोर, इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा सिक्स, इन दोनों को ऐड करो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन नाइन्टी एट, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, और दोनों को ऐड करके इनकी क्यूब कर दो, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम क्या आ जाएगा एट माइनस टू रूट फिफ्टीन डिवाइड बाय टू, इसकी क्या है क्यूब, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे क्या आएगा एट प्लस टू रूट फिफ्टीन, टू रूट फिफ्टीन डिवाइड बाई टू और क्यूब, टू से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर, यहाँ पर क्या वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर, हमारे पास क्या रहेगा फोर माइनस रूट फिफ्टीन की क्यूब, और प्लस में फोर प्लस रूट फिफ्टीन की क्यूब, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सीधी, तुम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें सीधी वैल्यू पुट कर देंगे ही बनेगा, आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो इसमें ये भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है टू इंटू ए हमारे पास क्या है फोर, ब्रैकेट में ए की स्क्वेयर फोर की स्क्वेयर करेंगे प्लस थ्री बी की स्क्वेयर करेंगे, बी हमारे पास क्या है फिफ्टीन, इसकी स्क्वेयर करेंगे, अब स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी स्क्वेयर क्या आ जाएगी हमारे पास 16 प्लस 45, इसको ऐड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर दो क्या आ जाएगा आपके पास 61, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 82, इसका रैशनलाइजेशन, इसका रैशनलाइजेशन क्यूब करके माइनस कर देंगे, इसका क्या आएगा, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसका क्या आएगा चार माइनस रूट फिफ्टीन, और इसकी क्यूब, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ये आएगा, और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ये आएगा और क्यूब, अब फॉर्मूला सॉल्व कर देते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, बार माइनस है वो अंदर चला जाएगा, ए की क्यूब प्लस माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, तो ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बी की क्यूब तो माइनस टू बी की क्यूब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वेयर, तो थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा,
ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, आएगा माइनस टू बी की क्यूब और माइनस ये क्या हो जाएगा सिक्स ए स्केयर बी, कॉमन ले लेंगे माइनस टू बी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बी स्केयर प्लस थ्री ए स्केयर, वैल्यू पुट कर देंगे ए क्या है ये बी क्या है ये, माइनस टू बी हमारे पास क्या है फिफ्टीन और अंदर क्या है बी की स्केयर करेंगे क्या आएगा फिफ्टीन, ए की स्केयर करेंगे प्लस का निशान है ए की स्केयर करेंगे ए हमारे पास चार है सिक्सटीन और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या जाए टू रूट फिफ्टीन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा और ऐड करेंगे सिक्सटी थ्री, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर माइनस रूट फिफ्टीन, ये हमारा क्या है आंसर माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स रूट फिफ्टीन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे क्या आएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे और क्यू करके माइनस कर देंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे क्या आएगा सेवन प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और इसका क्या आएगा क्यू माइनस सेवन प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्यू, इसमें माइनस आएगा। तो अब फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए की क्यूब इसका फॉर्मूला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूले में ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बी क्यूब टू बी की क्यूब और सिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सॉल्व आप कर लेना, मैं सीधा करवा देता हूँ टू बी की क्यूब और इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स ए स्केयर बी, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा टू बी कॉमन आ जाएगा हमारे पास क्या है बी स्केयर प्लस इसमें से बी कॉमन ले लिया टू बी कॉमन आ गया क्या आ गया थ्री ए स्केयर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या है ए की सेवन है और बी की है तो टू इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास फोर, तो ये क्या आ जाएगा फोर्टीन इंटू नहीं बी की वैल्यू हमारे पास क्या है टू इंटू बी करना है बी की वैल्यू क्या है फोर रूट थ्री, तो ब्रैकेट में हमारे पास बी स्केयर करना है फोर स्केयर रूट थ्री का स्केयर रूट और प्लस थ्री ए की क्यूब यानी कि सेवन की क्यूब करें सेवन की स्केयर करें, ये क्या आ जाएगा एट रूट थ्री, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टी एट और प्लस इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वन फोर सेवन, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वन नाइन्टी फाइव और इसकी वन नाइन्टी फाइव की एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा पंद्रह सौ साठ इंटू रूट थ्री, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने, इसमें क्या करना है इनका रेशनलाइजेशन करके और फिर प्लस माइनस कर दें जो भी निशान है हमारे पास, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं पहले क्या आएगा 12 रूट थ्री प्लस में 6 रूट सिक्स और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस का निशान और इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रूट टू और माइनस का निशान यहाँ पर क्या आ जाएगा टू रूट थ्री डिवाइड बाय हमारे पास वन और यहाँ पर माइनस का निशान है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12 अंडर रूट टू और प्लस में हमारे पास आएगा फोर रूट सिक्स डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा फोर, इनका अब एलसीएम लेंगे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना अलग वीडियो बना देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 24 रूट थ्री प्लस 12 रूट सिक्स प्लस 36 रूट टू माइनस
24√3 − 36√2 और माइनस में हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 12√6। तो अब 24√3 − का ये प्लस का ये कट हो जाएगा, 12√6 ये माइनस का ये प्लस का ये कट हो जाएगा, 36√2 प्लस का ये माइनस का ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 0 ऊपर नीचे क्या 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 हमारा आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 84, 85 करेंगे, इसमें क्या करें रैशनलाइजेशन कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे इसी तरह। तो कैसे करेंगे इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या आएगा √5 − √3 / 2 + 6 − √5 / यहाँ पे आ जाएगा 9 − 5 यानी कि 4 माइनस, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा 9 − √3 / 6। एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 6√3 + 18 − 6 √5 − 18 और प्लस में 6√3। तो 6√5 माइनस का प्लस का कट हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का ये भी कट हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का ये भी कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 0√12 यानी कि 0 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे सामने, इसमें क्या करना है वैसा ही सवाल है, रैशनलाइजेशन करके प्लस माइनस करना है इनका रैशनलाइजेशन करके, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा √15 + √10 / 1 − इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3√15 − 3√6 / 3 + इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2√10 −2√6 / 2। तो इनका अब एलसीएम ले लेंगे, तो इसको एलसीएम 6 आ जाए, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, सीधा कैसे करेंगे हमारे पास क्या है √15 + √10 इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा ये माइनस है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया √15 − √6 / 3 और यहाँ पर प्लस है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमारे पास क्या रहेगा √10 − √6 / 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रहेगा √15 + √10 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी −√15 और ये माइनस का है ये माइनस का, क्या हो जाएगा +√6 और ये प्लस है √10 और −√6। तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, √10 प्लस के अंदर √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2√10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे सामने, इसको क्या करना है इफ़ x की वैल्यू दिस एंड y दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें पुट कर दो और y की वैल्यू क्या है हमारे पास इसमें रख लो, क्या आएगा x की वैल्यू हमारे पास है √3 + 1 / √3 − 1 इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है ये आ गया यहाँ पे, और बीच में क्या है प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 − 1 / √3 + 1 की स्क्वायर। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो अंदर और इसका रैशनलाइजेशन कर दो, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे +√3 / हमारे पास आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर, प्लस इसका रैशनलाइजेशन करेंगे क्या आएगा 4 − √3
थ्री डिवाइड बाय टू की स्क्वायर, ये टू इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये टू इससे यहाँ पे टू बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, टू प्लस रूट थ्री की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू प्लस नहीं माइनस रूट थ्री की होल स्क्वायर। अभी इस पर फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, ए ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला और ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर यानी टू की स्क्वायर फोर, इसकी स्क्वायर रूट थ्री की स्क्वायर थ्री प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू टू फोर रूट थ्री प्लस प्लस का निशान है, तो ये फार्मूला सॉल्व करेंगे, फोर प्लस थ्री प्लस नहीं माइनस फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री से फोर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और 14 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे सामने, इसमें क्या किया, x दिया हुआ है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी क्या है होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की होल स्क्वायर। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे और दोनों की हम दोनों का ऐड कर देंगे, इसका क्या आएगा, 7 प्लस 4 रूट 3, इसका रैशनलाइजेशन ये आएगा हमारे पास, इसकी स्क्वायर है हमारे पास, प्लस में इसका रैशनलाइजेशन क्या आएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर। अब इनका फॉर्मूला खोल के लिख दो, क्या आएगा, 49 प्लस बी की स्क्वायर 48 प्लस अब टू इसको करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56 रूट 3 प्लस इसका 49 प्लस 48 माइनस में 56 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये माइनस का है ये प्लस का कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 194 ये बना क्या आएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे, इसमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, पहले क्या है x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में 1 बाई एक्स करेंगे, 1 बाई एक्स करेंगे, तो x की वैल्यू पुट करते हैं 7 माइनस 4 रूट 3, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर दो आपको आसानी हो जाएगी करने में, तो रैशनलाइजेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 माइनस 4 रूट 3, इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 7 प्लस 4 रूट 3, कैसे आएगा आप रैशनलाइजेशन करके देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ रैशनलाइजेशन करके, इसका रैशनलाइजेशन करते हो आप तो कैसे करते हो, मल्टीप्लाई में 7 प्लस 4 रूट 3 करते हो और डिवाइड बाय 7 प्लस 4 रूट 3 करते हो, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हो आप क्या आएगा, 7 प्लस 4 रूट 3, और नीचे आप करोगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 49 माइनस 48 तो ये क्या बन जाएगा, 1, तो हमारे पास तो ये हमारा आंसर आ गया। ये नीचे वाला कैसे सॉल्व हुआ था, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो उसमें क्या होता है, a की स्केयर होता है और माइनस बी की स्केयर होता है, ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर हो गया, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास बना देगा, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, इतनी, तो मैंने ये सीधा लिख दिया आपका टाइम खराब ना हो इसलिए, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट ओपन कर लो, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 14 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे सामने, इसमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है और फाइंड करना है x प्लस वन बाई एक्स, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 11 माइनस 2 रूट 30 है और प्लस में 1 बाई 11 टू रूट 30, अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे क्या आएगा, 11 ये लिख लेता हूँ पहले, 11 टू रूट 30 और इसका रैशनलाइजेशन हमारे पास क्या आएगा, प्लस में 11 प्लस टू रूट 30, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 4 रूट 11, ठीक है, प्लस ऊपर क्या है 49, नीचे क्या है 15 माइनस 4 रूट 11। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम, क्या आएगा, ये हमारे पास 15 माइनस 4 रूट 11, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर क्या है 49, और रेशनलाइजेशन करने के बाद आ जाएगा 15 प्लस 4 रूट 11, नीचे हमारे पास 1 बचेगा। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 49, ये हमारा इसका रेशनलाइजेशन है। तो ये 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 15 माइनस 4 रूट 11 प्लस में 15 प्लस 4 रूट 11, 4 रूट 11 से 4 रूट 11, 30 हमारा आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे, इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट करो, क्या आएगी एक्स की वैल्यू, क्या है हमारे पास 12 माइनस 2 रूट 35 प्लस में 4 डिवाइड बाई 12 माइनस 2 रूट 35। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या आएगा 12 माइनस 2 रूट 35 है, इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 12 प्लस 2 रूट 35 डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, 12 माइनस 2 रूट 35 प्लस 12 प्लस 2 रूट 35, 35 से 35, 2 रूट 35 से 2 रूट 35 कैंसिल, और 24 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे सामने, इसे देखकर आप डर गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ लो आपको एक नंबर पक्का आपका सुनना पड़े। कैसे करेंगे, इनका रेशनलाइजेशन करो सबका, और प्लस माइनस जो भी है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 4, नीचे प्लस का है तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों की स्क्वेयर करके ऐड कर दो, रेशनलाइजेशन का शॉर्ट तरीका, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1, प्लस इसका रेशनलाइजेशन करोगे हमारे पास क्या आंसर, तो रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, क्या आएगा 4 प्लस माइनस का, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस का, और नीचे इन दोनों का स्क्वेयर करके माइनस करना है, प्लस निकलना माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का, प्लस इसका क्या आएगा रूट 5 माइनस रूट 6 वाई माइनस वाई, प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 माइनस 1, प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 डिवाइड बाई माइनस 1, प्लस रूट 8 माइनस रूट 9 डिवाइड बाई माइनस 1, ये क्या आ गया इन सबका रेशनलाइजेशन। अब ये माइनस है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में माइनस वन और माइनस वन कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, तो ये नीचे वाला हो गया प्लस, इस माइनस वन की इसके साथ ऊपर वाले के साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर वाला अपने पास माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा ऊपर वाला, तो ये रूट 3 प्लस का, ये क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, रूट 3 माइनस का हो गया, रूट 4 प्लस का हो गया, और इसमें प्लस है रूट 4, ये प्लस का है तो ये रूट 4 क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस का, ये माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 प्लस का रूट 7 माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 8 माइनस का रूट 8 और माइनस का रूट 8 प्लस का रूट 9। तो ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सभी कट हो रहे हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास क्या रहेगा माइनस रूट 3 और प्लस में रूट 9, 9 का स्क्वेयर रूट हमारे पास क्या होता है 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस रूट 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, आप टेस्ट टेस्ट देख के डर गए होंगे, कुछ नहीं करना, इसका रेशनलाइजेशन करो, इसका रेशनलाइजेशन करो, फिर माइनस करके इसका करो, फिर प्लस करके इसका करो, फिर डेस्ट डेस्ट ऐसे चलते जाओ और एंड तक चलना है। कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करो, हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट 100 प्लस स्क्वेयर रूट 99, नीचे हमारे पास वन नीचे, इसका स्क्वेयर रूट करोगे माइनस का निशान है, इसका स्क्वेयर रूट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा 99 प्लस 90, इसका रेशनलाइजेशन करना है, स्क्वेयर रूट नहीं रेशनलाइजेशन करोगे हमारे पास क्या आएगा 98, इसका रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन क्या आया ये, और इसका रेशनलाइजेशन हमारे पास क्या आ गया ये, प्लस में इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 98 प्लस 97 स्क्वेयर रूट,
डैश डैश ऐसे ही चलते ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर दो, आगे चलते चलते ये हमारे पास माइनस में, ये माइनस में है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू, इसका रेशनलाइजेशन ये आ गया, प्लस में इसका रेशनलाइजेशन हमारे पास क्या आ गया, रूट टू प्लस रूट वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, हंड्रेड प्लस रूट नाइन्टी नाइन माइनस रूट नाइन्टी नाइन माइनस रूट नाइन्टी एट, और ये क्या आ गया, प्लस रूट नाइन्टी एट, और ये प्लस का रूट नाइन्टी सेवन, ऐसे ही चलते जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट थ्री और माइनस का रूट टू प्लस का रूट टू और प्लस का रूट वन। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का 99 रूट स्क्वेयर रूट, यहाँ पे माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ऐसे सारे कैंसिल होते जाएंगे लास्ट तक, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये पहले वाला और ये लास्ट वाला, ये दो ही बचेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 100 और प्लस में हमारे पास है स्क्वेयर रूट ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वेयर रूट 10 और 1 का 1, तो हमारे पास क्या गया, 11 हमारे पास आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे सामने, इसमें क्या करना है, इफ रूट 15 की वैल्यू दी हुई है हमें, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ रूट 5/3 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, रूट 5/3 दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/3 है, इसके साथ अगर मैं 3/3 की मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 15 डिवाइड बाय 9 का स्क्वेयर रूट, तो 15 रूट 15 की वैल्यू हमें दी हुई है, और 9 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 3, रूट 15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.88 डिवाइड बाय रूट 3, रूट 9 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, तो ये कैंसिल होकर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.2 और 9 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें क्या है, रूट 3 की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 64 × 3 क्या होता है आपके पास 192 ही होगा, माइनस 1/2 है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 × 3 48 बन जाएगा, माइनस इसको आप कैसे लिख सकते हो 25 × 3। अब हमारे पास 64 की वैल्यू स्क्वेयर रूट कितना होता है 8, और रूट 3 की वैल्यू हमें दी हुई है मल्टीप्लाई में, रूट 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7321, माइनस में 16 का रूट 1/2 है हमारे पास, और 16 का रूट कितना हो गया 4, और रूट 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.7321, माइनस में 25 का 5 और 3 की वैल्यू क्या है 1.7321, यहाँ से अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, और सभी में 1.7321 सभी में ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 7321, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पर क्या है 2 और माइनस में यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 5, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ये क्या बन जाएगा 1, तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.732, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे सामने, इसमें क्या दिया है, रूट्स 2 की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे लिख सकते हैं, इन सबको पहले सॉल्व करके लिख लो, 8 को कैसे लिख सकते हैं रूट 8 को 4 × 2 प्लस 32 को कैसे लिख सकते हैं 16 × 2 माइनस 3 128 को कैसे लिख सकते हैं 64 × 2 प्लस 4√25 × 2, तो 2 की रूट 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, और रूट 4 क्या बन गया 2 इंटू वैल्यू क्या दी हुई है 1.414 प्लस 16 की 4 इंटू इसकी क्या है 1.414 माइनस 3 इंटू 64
कि क्या हो जाएगी 8 इंटू टू की 1.414 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1.414 पॉइंट 1.414 कॉमन आ जाएगा, 1.414 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 प्लस में यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस यहाँ पर क्या है 3 इंटू 8 यानी 24 प्लस यहाँ पर 5 इंटू 4 20। तो यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 1.414 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.828। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे। इसमें कैसे करेंगे इनकी वैल्यू निकालनी है हमें सीधा। कैसे करेंगे 400 इसकी स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 20 प्लस इसको कैसे कर सकते हैं इसका अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया इसको एक बार सीधा लिख देता हूँ। इसका अगर हम पॉइंट सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 10,000 प्लस इसका पॉइंट हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं 20 यहाँ पे प्लस 400 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस 4 का 2 इसका 1000। तो इसको अब एलसीएम ले लेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा 1000 यहाँ पर क्या आ जाएगा 20,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आ गया 20,202 डिवाइड बाय 1000 तो हमारा आंसर आ गया 20.202। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। इफ इसकी हमें 4096 की स्क्वायर रूट हमें क्या दिया हुआ है 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं इसका अगर हम पॉइंट खत्म करना हो तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 496 डिवाइड बाय 100 इसका क्या है स्क्वायर रूट प्लस ये क्या बन जाएगा 1000 नहीं 10,000 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं इसका क्या बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन के साथ 60 और स्क्वायर रूट प्लस इसका क्या बन जाएगा 4096 डिवाइड बाय कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनके बाद जितने जितने नंबर है उतने जीरो वन के साथ नीचे आ जाएंगे तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना है हमें कैसे करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हमें स्क्वायर रूट 64 दिया हुआ है तो इसका हमें हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 64 डिवाइड बाय 100 का 20 है 10 बच जाएगी प्लस 40 है नीचे 1 के साथ 20 प्लस 64 कितनी 60 है 30 प्लस 64 डिवाइड बाय कितनी है 80 40। अब हम एलसीएम ले लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 64,000 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6400 प्लस 640 प्लस 64। अब हम ऊपर वाले को ऐड कर देंगे इससे डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 71104 ये ऐड हो गया और डिवाइड में हमारे पास क्या है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.1104 ये हमारा क्या आ गया आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 100 इफ इसकी वैल्यू हमें दी हुई है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास कितनी है यहाँ पे 54 डिवाइड में
अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, टू नंबर है, तो हम नीचे टू नंबर वन के साथ दो जीरो लगाते हैं और उसका स्केयर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या किया था, इसका स्केयर रूट फाइंड किया तो वन जीरो थी, तो हमारे पास नीचे क्या जाएगा, टेन प्लस यहाँ पे 54, यहाँ पे फोर जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद फोर है तो यहाँ पे वन के साथ टू जीरो बच जाएगी, प्लस 54 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद कितने नंबर है सिक्स, तो हमारे पास कितने 1000 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है एट, तो हमारे पास वन के साथ फोर जीरो आ जाएगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 10000, इसके साथ एलसीएम लेके अब सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 54000 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5400 प्लस 540 प्लस 54, इनको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 59994। नीचे हमारे पास क्या है 10000, तो जितनी जीरो है उतने ऊपर पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.9994, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने 100 मार्क, हमें क्या करना है इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए कंप्लीट स्क्वायर। हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिसकी हम 200 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूर्ण स्क्वायर बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए वो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम कैसे करेंगे, 200 को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो बनेगा, जीरो से कर नहीं सकते, वन से करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 200 इंटू वन करेंगे हमारे पास 200, ये स्क्वायर नहीं है, तो 200 को टू से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 400, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 20। तो हमें क्या निकालना था, इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से, हमें बताना था अभी इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से करें ताकि हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बढ़ी है 2 के साथ, तो हमारे पास 2 हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें क्या है, हमारे पास 7744 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए हॉल, एक हॉल के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो दैट सच दैट इस तरह बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ रोज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आर इक्वल, जितने नंबर ऑफ रो, जितने स्टूडेंट एक रो के अंदर बैठे हैं उतने उतनी ही रो है, जितने स्टूडेंट एक रो के अंदर है यानी कि जितने ये रो है हमारे पास इसके अंदर जितने स्टूडेंट है कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 स्टूडेंट है तो हमारे पास 4 ही रो है, ये तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन हॉल, हमें बताना है अभी हॉल के अंदर टोटल, ये हमारे पास हॉल है इसके अंदर कितनी रो है, तो कैसे निकालेंगे इस हॉल के अंदर कितने स्टूडेंट है टोटल 7744 इतने स्टूडेंट है, तो हमें रो इस रो के अंदर जितने स्टूडेंट है उतनी रो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताने के लिए, हाउ मेनी रोज आर देयर इन ऑल, तो हमें इसका स्क्वायर रूट कर दें, जितने स्टूडेंट है उनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रो में स्टूडेंट पता चल जाएगा और रो पता चल जाएगी, तो इसका हम स्क्वायर रूट आपको पता है सीधा तो आप सीधा लिख सकते हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप स्क्वायर रूट इसका निकाल लो, हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता आपको पीछे भी बताया एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ से हमें जोड़े ही लेने हैं, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर किस से स्क्वायर करें कि इससे छोटा या इसके इक्वल बने, इस जोड़े के इक्वल बने, तो हम 8 से करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 64, तो 64 और 9 से करेंगे 81 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 64 ही लेंगे, तो यहाँ पे 8 से किया है तो यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 13 और ऊपर क्या है जोड़ा ही उतारना है, तो हमारे पास क्या बच गया इतना। अब हमें इसका डबल करना है, क्या आएगा 16, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इतना बन जाए या इससे छोटा बन जाए, तो हम ये दो तो ले नहीं सकते क्योंकि करेंगे ज़्यादा आएगा, तो हम टोटल ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई आपको पता ही है कैसे करनी है, जिससे करेंगे आप 7 8 8 से करेंगे हमारा कंप्लीट आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये कितने पर आया 8 पर, तो इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास कितनी आ गई 88 रो है और 88 वन रो में 88 स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर है 103, इसमें क्या दिया है हमें, रुपए दिए हुए हैं
1225 आर कलेक्टेड इन ए स्कूल, एक से स्कूल से इतने रुपए इकट्ठे किए हुए किए गए हैं। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फी पेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है उतनी फीस एक स्टूडेंट से ली गई है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें कितने रुपए दिए हुए हैं 1225, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे और जितनी फीस एक स्टूडेंट ने दी है वो आ जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, हम जोड़े बनाते हैं, पहले स्क्वायर रूट निकालनी है तो 2 के जोड़े, और अगर क्यूब रूट निकालनी है तो 3 के, तो पीछे से हम 2 के जोड़े बना लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 9, ऊपर भी 3, तो यहाँ पे कितना 3 और ये जोड़ा हमारे पास नीचे आ जाएगा, नीचे उतारना है तो भी जोड़ा ही उतारना है, एक नंबर नहीं उतारना है, तो अब हम यहाँ पे इसका डबल करके लिखेंगे कितना आएगा 6। अब हम 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कंप्लीट बन जाए या इससे कम नंबर बन जाए, तो हम 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 325 कंप्लीट बन जाएगा, तो हमारे पास 35 स्क्वायर रूट आ गए, तो हमारे पास यानी कि 35 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ने 35 रुपये पे किए हैं, तो 35 हमारा आंसर आ गया। तो ये आपको कई बार बता दिया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ नहीं आया तो इसको 3 था इसको डबल करके लिखेंगे, और अगर हमें मल्टीप्लाई करके देखनी है तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 5 ही यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और 5 ही नीचे लिख कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट निकल जाए 35 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 104 करेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 1245 सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, हमें इससे ऐसा कोई नंबर घटाना है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो कैसे करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, निकाल के देख लेंगे उससे हमें पता चल जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें किससे माइनस कितने नंबर से माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब देखते हैं इसकी स्क्वायर क्या बनती है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना माइनस करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हम इसके जोड़े बना लेते हैं और 3 से ये होगा 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 345 ये। अब इसको इसका डबल करके लिखना, अब इस 6 को किस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा बन जाए या इससे छोटा बन जाए, पूर्ण तो ये बनेगा नहीं क्योंकि मैं सबट्रैक्ट कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा फिर ही वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो कैसे करें इसको निकाल के देख लेते हैं, हम पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 325, तो ये इससे छोटा आ गया, अब हम 6 से करके देख लेते हैं 6 को हमारे पास क्या आएगा 396, तो ये बड़ा आ गया, तो हम ये लेंगे, अगर हमें इस नंबर से माइनस करना है तो ये लेंगे, अगर हमें प्लस करके यहाँ पे हमें बोल दिया जाए भी कोई नंबर ऐड करो और फिर परफेक्ट स्क्वायर कि कम से कम कौन सा नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो हम इसको यहाँ पे लिख के माइनस करके जो नंबर हमारे पास आएगा वो नंबर हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो अब हम माइनस करना है तो हम छोटा नंबर लेंगे हमारे पास क्या होगा 5 से क्या आएगा 25, हमारे पास क्या रहेगा 20, ये 20 हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसकी 35 की, तो इससे माइनस कर दो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस करोगे ये 35 की परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या बताना था, इसमें से कौन सा नंबर माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये इसकी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, कितना माइनस किया है तब बनी है, तो 20 माइनस किया है तो परफेक्ट स्क्वायर बनी है, तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 करना चाहूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड वी एडिड टू 1275 टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, हमें वो छोटे से छोटा नंबर इसमें ऐड करना है कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो क्या करेंगे इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, उस तरीके वो तरीका लगाएंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका निकाल कर देखेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटे से छोटा नंबर ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास जोड़े बना दिए और फिर 9 3 पे यहाँ पे क्या 375 इसका डबल 6, अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें
अब हमें एडिट देना है तो हम इससे तरीका क्या होता है इससे छोटा या इसके बराबर लेना होता है तो हमें निकालना है इसमें एड करके परफेक्ट स्क्वायर बनानी है तो हम या तो इसके इससे बड़ा नंबर ही लेंगे तब हमें पता चलेगा भाई क्या ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हम 66 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमारे पास क्या आएगा 325 तो ये इससे छोटा आ गया हमें क्या लेना है बड़ा 66 को करेंगे ये इससे ठीक है बड़ा आ गया हमें बड़ा ही लेना है अब ये बड़ा यहाँ पे लिखे इससे माइनस इससे कितना बड़ा ये वो हमारा इसमें ऐड करेंगे परफेक्ट स्केयर बन जाएगा कितना बड़ा ये 21 इतना इसमें कितना बड़ा है इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्केयर बन जाएगी किसकी बन जाएगी इसकी 66 की नहीं 36 की तो 21 हमारा आंसर बना है ये ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्केयर बन जाएगा नंबर 106 है हमारे सामने What is the smallest number that हमें छोटे से छोटा नंबर याद करना should be subtract from इससे हम subtract करेंगे इस नंबर से तो so that हमें become perfect square बन जाए तो कैसे करेंगे वही तरीका square root निकालने वाला तरीका लगाएंगे 2850 इसका square root हमारे पास क्या बन जाएगा किससे होगा 6 जोड़े लेने आपको पता ही है perfect square लेंगे 6 को 6 से करेंगे 36 इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 650 इसका डबल क्या है 12 इसको किससे मल्टीप्लाई करें भी सब्सट्रैक्ट करना है तो हमें छोटा नंबर ही लेना है छोटा नंबर आ जाए अगर हम 12 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 625 तो ये छोटा है अगर 6 से करेंगे तो ज़्यादा आएगा तो हम 625 ही लेंगे 625 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा 25 हमें पता करना है कितने नंबर घटाएं तो इसमें से हम 25 नंबर घटाएंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो ये हमारा आंसर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा 65 का अगर हम ये माइनस इसमें से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 42 25 ये परफेक्ट स्क्वायर किसकी बन जाएगी 65 की 25 हमारा आंसर है ये माइनस है क्वेश्चन नंबर 107 है हमारे सामने इसमें क्या करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 5600 टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर हमें कंप्लीट स्क्वायर बतानी है इसमें क्या नंबर ऐड करें ऐसा नंबर बताना है जो इसमें ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वही तरीका लगाएंगे स्क्वायर रूट निकालने वाला तो हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या नंबर ऐड करें तो इसमें क्या बनेगा 7 से हम करेंगे पहले जोड़े बन गए 7 से करेंगे हमारे पास कितना रह जाएगा यहाँ पे 7 और ये थोड़ा नीचे आ जाएगा इसका डबल ठीक अब हम इसको 14 को 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इससे ज़्यादा बन जाए क्योंकि ऐड करना है हमें तो हमें ऐड करना है तो इससे ज़्यादा संख्या लेनी पड़ेगी इससे जस्ट ज़्यादा वाली संख्या लेनी पड़ेगी तो हमारे पास पहले 5 पर करके देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा 725 ये बड़ा आ गया अगर हम 114 को 4 से करें तो हमारे पास कितना आएगा कितना कम बनता है वो हम देख लेते हैं कम बनता है या ज़्यादा ही बनता है तो ये कम बनता है तो हमें ज़्यादा बड़ा लेना है तो हम 725 लेंगे 725 कितना 700 से कितना बड़ा है 25 तो हम अगर 5 पर लिया है हमने 5 पर निकाला है ये तो 25 तो हमारा आंसर आ जाएगा हमें पता लग गया और परफेक्ट स्क्वायर किसकी बन जाएगी ये 75 की क्या बन जाएगी इसमें अगर हम 25 ऐड कर दें इसकी परफेक्ट स्क्वायर तो ये हमारा आंसर आ गया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 108 करेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर निकालना है विच इज परफेक्ट स्क्वायर जिसकी परफेक्ट स्क्वायर बढ़ जाए तो हमारे पास सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है 1000 सबसे छोटा हमारे पास हमको सबको ही पता है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 होता है इसमें हम इससे ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि 1000 किसी की स्क्वायर नहीं होती है तो हमें पता है कि 4 डिजिट का नंबर अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ज़्यादा ही बनेगा तो हम देखते हैं इसमें क्या ऐड करें इसका वही तरीका लगाते हैं ये तो हम इसमें पता चल जाएगा क्या ऐड करें तो हम 3 पर करेंगे जोड़े बना दी 9 यहाँ पे कितना बच गया 100 इसका डबल 6 अगर हम इसको 6 को 1 से करते हैं तो हमारे पास 61 ये छोटा है हमें क्या लेना है 4 डिजिट का नंबर लेना है छोटा नंबर आ जाएगा अगर हम माइनस करके छोटा लेंगे तो अगर हम बड़ा लेंगे बड़ा हमारे पास क्या आ जाएगा
और टू से कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 124। तो हमें बड़ा लगाना है तो 124 लिख देंगे। तो ये कितना है 24। तो इसमें हम 24 ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर चार डिजिट की हमारे पास क्या है 1024। ये हमारा आंसर है, ये हमने बताना था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसकी बन गई 32 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है हमारे सामने। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हमें बताना सबसे बड़ा सिक्स डिजिट का नंबर जिसकी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम कैसे निकालेंगे, टू डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमारे पास कितना होता है 81। ये किसका होता है 9 का, ये टू डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें थ्री डिजिट की निकालनी हो या टू डिजिट की निकाल और थ्री डिजिट की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख दो। तो हमारे पास यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, ये हमारे पास फोर डिजिट की, ये फोर डिजिट की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर बन गई हमारे साथ। और अब सिक्स डिजिट की कैसे बनेगी हमारे पास, तो ये 81, 8 यहाँ पे लिख दो, 1 थोड़ा दूर लिख दो, 81 यहाँ पे 1। तो हमें सिक्स डिजिट की निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा 00 और यहाँ पे 99। ये हमारे पास सिक्स डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। तो ये आ गई हमारे पास सिक्स डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर, हमें बतानी थी वो। ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, ए जनरल अरेंज हिज सोल्जर्स इन रो मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। एक जो जनरल है वो अपने सैनिकों की एक रो में रो लगाता है, सभी सैनिकों को एक रो में लगाता है और कंप्लीट स्क्वायर वो एक वर्ग बनाता है अपने सैनिकों की रो के वर्ग बनाता है। एंड सो 50 सोल्जर्स रिमेंस विदाउट अरेंजमेंट, तो उसे अंत में पता चलता है कि उसके पास 50 सोल्जर्स यानी 50 सैनिक वर्ग बनने के बाद में बच गए हैं। इफ ही हैड 6450 सोल्जर्स टोटल, इतने सोल्जर्स हैं जो सैनिक है वो टोटल हैं, देन फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रोज। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है और नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। तो हमें पता है कितने टोटल हैं 6450, तो इसमें से ये बच जाएंगे 50 सोल्जर बच जाएंगे, तो ये हम क्या कर देंगे माइनस, हमारे पास क्या आ गया 6400। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या निकलेगा 80। तो 80 के 80 की रो बनती है और 80 ही स्टूडेंट 80 ही सोल्जर एक रो में आते हैं, तो हमारे पास 80 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 111, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर बतानी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो इनसे डिविजिबल हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे 3, 2, 5, 3 और 4, फिर से 2 से 3, 1, 5, 3, 2, फिर 2 से 3, 1, 5, 3, 1, फिर 3 से करेंगे 3, 1, 1, 5, 1, 1, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो एलसीएम लेने के बाद अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट नंबर बन जाएगा जो इनसे डिविजिबल होगा, पर हमें क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी स्क्वायर हमारे पास पड़ी है तो 2 की नहीं है तो 2 के साथ कर देंगे, और 3 की स्क्वायर कर देंगे और 5 की स्क्वायर कर देंगे। अब इनकी स्क्वायर क्या, 2 की स्क्वायर 4 × 4 × 9 × 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 100, और इन इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या 36 × 100 करेंगे 3600। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया इनका जो डिविजिबल है इनसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 112 करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। इनका एलसीएम निकालें 10,
ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन टू फाइव सिक्स फिफ्टीन नाइन, फिर टू से करेंगे फाइव थ्री फिफ्टीन नाइन, फिर थ्री से करेंगे फाइव वन फाइव इंटू थ्री, फिर थ्री से फाइव वन फाइव थ्री नहीं वन, फिर फाइव से फिर वन 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 आते हैं। तो अब हमारा एलसीएम आ गया टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनका डिविजिबल नंबर आ जाएगा, हमें क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो स्क्वायर नंबर निकालना है तो टू की स्क्वायर हमारे पास है, थ्री की स्क्वायर हमारे पास है, फाइव की स्क्वायर नहीं है तो फाइव एट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर होगी। ये क्या आ गया ट्वेंटी फाइव, ये नाइन, ये फोर, ये क्या हो गया हंड्रेड इंटू नाइन करेंगे नाइन हंड्रेड, ये हमारा आंसर आ गया स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 130, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एच। तो हम क्या करेंगे पहले एलसीएम निकाल लेंगे कितना है 15 20 25 40 एंड 50, टू से 15 10 25 20 25, फिर टू से 15 5 25 10 25, फिर टू से 15 5 25 5 और 25, फिर 5 से कर देंगे 3 1 5 1 5, फिर 5 से कर देंगे 3 1 1 1 1, फिर 3 से कर देंगे 1 1 1। तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये क्या आ गया परफेक्ट नंबर आ गया जो इनसे डिविजिबल है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 की स्क्वायर है हमारे पास, इस 2 की स्क्वायर नहीं है तो कर देंगे, और 5 की स्क्वायर हमारे पास है और 3 की स्क्वायर नहीं है तो 3 की स्क्वायर कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू इसकी क्या 25 इसकी इंटू 4 और इसकी 4, ये कितना हो गया 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 36, तो 3600 हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 114 करेंगे इन ए क्लास एवरी स्टूडेंट डोनेट आर एस इक्वल, एक क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट ने एक जितने रुपए एक स्टूडेंट ने किए उतने सभी ने किए, एवरी स्टूडेंट डोनेट आर एस इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही एक व्यक्ति ने एक स्टूडेंट ने रुपए कलेक्ट किए, यानी कि अगर 50 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट ने 50 रुपए डोनेट किए हैं। टीचर्स पेड 25, उनमें से टीचर ने भी 25 अपने पास से डोनेट किए हैं, टोटल कलेक्शन बाज 250 है, टोटल कलेक्शन कितनी है 250, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो हमारे पास टोटल कलेक्शन कितनी है 250, टीचर ने कितने पेड किए 25, ये माइनस कर देंगे हमारे पास क्या गया 225। तो हमें स्टूडेंट निकालने हैं, हमें पता है अभी एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल है, तो हम इसकी स्क्वायर रूट कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये हमारा आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारे सम मेरे हिसाब से जितने सम मेरे पास थे उतने सारे क्लियर कर दिए, मेरे हिसाब से कंपटीशन पेपर में आपका कोई भी सम नहीं रहेगा अगर कोई सम आ गया। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट या आपके पास इनसे कोई अलग क्वेश्चन है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके उस ग्रुप में आप एसएमएस कर देना जो भी आपका सम है या डाउट है, मैं आपको उसको सॉल्व करके आपके पास वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।